subscribe to Shemaroo Movies and hit the bell icon to never miss an update. सुपरवाइजर है? हाँ जी सर। क्या बात, आज फिर पावर कट है? पावर कट नहीं सर, मीटर कट है। क्या मतलब? कनेक्शन काट दिया बिजली वालों ने। क्यों, कनेक्शन क्यों काट दिया? सर वो कह रहे थे कनेक्शन तो आपने थालियाँ बनाने का लिया है और साथ में आप ये ग्लास भी बना रहे हो। कमाल है यार, बना तो बर्तन ही रहे ना। सर मुझे तो ये बात पता है, पर यही बात जाके आप एक्सियन साहब को समझाओ ना। एक्सियन क्यों, मैं सीधी चेयरमैन से बात करूंगा। जगती रहे, ओ आपके मीटर भागते रहे, ओ बिजली के बिल बढ़ते रहे। अंधेरा साहब। ओए मेरा नाम अंधेरा साहब नहीं, नेहरा साहब है। जिस हिसाब से पंजाब में बत्ती गुल रहती है उस हिसाब से तो अंधेरा साहब ही जचता है। ओ बस ओए। तुम अंदर कैसे आ गए? ओ पैदल ही आए हैं और अपने टांगे पे आना था। ओ मजाक ना करो,
तुम लोग हो कौन? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। बस ये समझ लो कि जख्म देने को पाला और मलम लगाने को पाला। रब झूठी बुलाए, रोते चेहरों से करें दूर उदासी, बंदों को कहते हैं मरासी। बस जी, हमारा आपस में इतना प्यार है जैसे चाबी और ताला, जैसे पजामे में नारा। हम दोनों एक ही माँ बाप की गलती के नतीजे हैं। और ये आहा, मेरी दूसरी बीवी की पहली शादी में तीसरे नंबर का काका, इसका नाम करंट है। नाम ही करंट है जी, बत्ती इसकी तेरी तरह हमेशा गोली रहती है। क्यों इसकी दुखती रख दबा रहा है? कहता बिजली महकमे में नौकरी करनी है, और मैंने कहा गाल ही कोई नहीं, वो चेयरमैन अपने घर का बंदा है। मैं तेरे घर का बंदा कैसे हुआ? अद हो गई, हम भी मरासी तू भी मरासी। What do you mean? वो इसका मीन तो यही है कि तू भी भांड हम भी भांड। मैं यहाँ इंजीनियर हूँ। काहे का इंजीनियर है? माँ तेरी करंट खा के मर गई थी। है? वो शक्ल तेरी ऐसे जैसे फ्यूज उड़ा हो। क्या बकवास है ये? हम यहाँ नौकरी लेने आए हैं, लेने के देने ना पड़ जाए मजाक मजाक में। ओ बिल्कुल, वो चेयरमैन तो अपना बहुत ही बड़ा इंजीनियर है, और जब अमेरिका वाले ऊपर रॉकेट छोड़ते हैं ना, तो तेल पानी चेक करने के लिए अपना अंधेरा ही तो जाता है। पुत्र मेरी तरफ क्या देख रहा है? नौकरी चाहिए तो चेयरमैन साहब के पैर पकड़ ले जल्दी। ओए, पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आजकल भर्ती बंद है। ओए, तू इतना बड़ा अफसर है, बंद है तो खोल दे। मेरी इतनी पावर नहीं है। और ये क्या कह रहा है? हमने तो सुना तेरी पावर ही बहुत है मिस्टर अंधेरा। तू तो मुंह में 100 वाट का बल्ब डाल ले, वो भी जल जाए। मुझे नौकरी पर आदमी रखने का हुक्म नहीं है। तेरे को हुक्म की क्या जरूरत है सरकार? हुक्म के बादशाह जैसा तो तेरा थोबड़ा। क्या मतलब? वो इसका मतलब है कि तेरे हुक्म से किसी की भी बत्ती काटी जा सकती है, किसी को भी कनेक्शन मिल सकता है। ओ पुत्र, आगे होके पांव छूं इनके। पर मैंने तो सुना अफसरों की ना जुबान होती है ना पैर होते हैं। अभी बताता हूँ मैं। सिक्योरिटी, पीए, चपड़ासी, जल्दी अंदर आओ। हाँ जी सर। धक्के मार के बाहर निकाल दो। हमको बताओ किसको बाहर निकालना है, हम निकाल देते हैं। तो आप लोगों को बाहर निकालना है और किसको निकालना है? सामान रह गया हमारा भाई। आना हमारे गाँव, हम भी देख लेंगे। वो तुझे भी रिटायरमेंट के बाद नौकरी की जरूरत पड़ सकती है। अगर पोता पैदा हुआ ना, मैं देखता हूँ कौन बधाई देने आता है। भूत भी नहीं आएंगे। तो कोई पढ़े लिखों वाली बात ना हुई। अगर अनपढ़ों वाली बात करनी थी ना, तो बिजली महकमे में मंत्री बनना था। इनकी बिजली काटो, बहुत ही बेवकूफ लोग थे। इन भांडों की बिजली काटनी है जी? हाँ काटो, बिल्कुल काटो। ठीक है सर। तब इनको पता चलेगा कि चेयरमैन से पंगा लेने का क्या नतीजा है। हमने तो चेयरमैन साहब आपके साथ कोई पंगा भी नहीं लिया, फिर हमें क्यों घुसा दिया पतीले में? हमारी क्यों बिजली काट दी? ओ भाई, मैं आपको नहीं उन बेवकूफ मरासियों को कह रहा था जो अंदर घुस आए थे। आप बैठो। एक मिनट। वैसे आप भी क्यों बैठो? और मैंने आपको पहचाने नहीं, आप हो कौन? सर, आपकी माता जी के भोग पे लंगर के लिए थालियां हमने सप्लाई की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप किसी गुरुद्वारे के प्रधान हो? नहीं नहीं, हमारी फैक्ट्री है थालियां बनाने की। अच्छा, बैठो बैठो बैठो। थैंक यू थैंक यू। क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह। लोग प्यार से मुझे जीता कहते हैं। मेरी फैक्ट्री का नाम भी जीता थालीज इंटरनेशनल है। तो प्रॉब्लम क्या? आपके बंदे हमारी फैक्ट्री की बिजली काट गए, कहते हैं आपकी फैक्ट्री थालियां बनाने की है, आप गिलास क्यों बनाई जा रहे हो? आपको नोटिस आया था? हाँ जी, नोटिस तो आया था। फिर जवाब दिया था उसका? सारे इसमें हमने क्या जवाब देना है? बर्तन तो बर्तन होते हैं, भले हम थालियां बनाए या गिलास, पर बिजली वालों को इससे क्या लेना देना? अरे पर हमें पता तो होना चाहिए ना कि आपने कनेक्शन किस लिए लिया है। हाँ। खैर आप घबराओ मत, मैं रिपोर्ट मंगा लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। Cut the
बिजली, तेरे गांव को ये जो बेड़ी जाती है ना, कमाल है। और मैं? तू तो है ही। तू वाकई मुझे प्यार करता है? मतलब जब मैं तेरे साथ नहीं होती तो मेरे बारे में सोचता है? मैं क्या, सारा पंजाब तुझे रोता है। रोता है? हाँ, नहीं मेरा मतलब याद करता है। जब भी यहाँ पावर कट लगता है सारे यही तो कहते हैं, हाय ओ बिजली, ए मार गई बिजली यार। तू मुझे बता, तू मुझे प्यार करता है कि नहीं? तो और क्या, मैं तेरे से अंग्रेजी की ट्यूशन लेने आता हूँ। प्यार करता हूँ तभी तो इतनी दूर तेरे से मिलने आता हूँ। अच्छा तो मुझे ये बता कि तू मुझे कितना प्यार करता है। किलोमीटरों में बताऊँ या मीटरों में? प्यार की भाषा में बता ना करण, तू मुझे कितना प्यार करता है। मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ बिजली, इतना प्यार करता हूँ जितना जितना चमगादड़ बिजली की तारों को करता है। दफा हो। शायरों जैसे लफ्ज तो तेरे पास है नहीं, पर इश्क की खुशबू पूरी है। ओ ये शायर लोग तो आंसुओं में डूबे टूटे आशिक होते हैं, मेरे दिल की रानी तो मेरे पास है। हाँ जी, भी कौन है इस घर का मालिक? बस यही फैसला कर रहे थे। पाला मुझे कहता है तू इस घर का मालिक है, मैं कहता हूँ तू है, अब फैसला आप ही करो जी। और लोग तो जायदाद के पीछे लड़ते हैं कि मेरी है, और तुम दोनों लड़ रहे हो कि तेरी है तेरी है। वो जायदाद की कीमत कम और इस पे कर्जा ज्यादा चढ़ा हुआ है। और ठीक है, मैं हूँ लाइनमैन खंबाराम और ये है हमारे जेई साहब एनएस लाठी। वो तेरी लाठी किधर है? ओए ओए, एनएस लाठी इनका नाम है, और हम लाठी लेकर नहीं आते, हम बिजली वाले हैं, हमारे लिए प्लास ही काफी है। ओए बाकी की बातें छोड़ो, ओए पहले ये बताओ कि तुम्हारा मीटर कहाँ है। ओए हम कोई ऑटो रिक्शा है जो हमारा मीटर ढूंढ रहा है? और हम तुम्हारे घर के मीटर की बात कर रहे हैं, हमें पता लगा है कि तुम बिजली चोरी करते हो। तुम्हारी बिजली तो अब काटनी पड़ेगी। शक्ल देखी हो अपनी, जैसे बिना तारों वाला खंबा। मजाक खंबा राम से मजाक, और तुमको खंबा राम से मजाक बड़ा महंगा पड़ेगा। जहाँ बाकी चीजें महंगी वहाँ मजाक भी महंगा हो गया तो क्या हो गया? ओए खंबा राम। हाँ जी सर। अब इनका मीटर काटना नहीं है, जड़ से ही उखाड़ना है। अभी लो सर। मैं तो मीटर के साथ साथ इनकी दीवार की ईंटें भी उखाड़ लूं। अब आप ये बताओ पहले चाय पियोगे या ठंडा? ओए ओ तुम हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? तो तेरे जैसे आदमी की हम तनख्वाह छीन ले, तू रिश्वत की बात किए जा रहा है। शक्ल देखी अपनी, जैसे बिना तेल का ट्रांसफार्मर होता है। ओए चुप कर, ओए हम तुम्हारा मीटर काटने आए हैं, तुमसे बेइज्जती कराने नहीं आए। सर सारा घर छान मारा है पर इनका मीटर कहीं नहीं मिला। ओ हमने मीटर लगवाया ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? ओए बड़े बेवकूफ बनते हो तुम लोग, वो तुमने बिजली का कनेक्शन लिया ही नहीं। बिजली का मीटर तो वो लोग लगाते हैं जो बेवकूफ, 24 घंटों में से 22 घंटे तो बिजली गुल रहती है। 2 घंटे के लिए मीटर लगवा के हमें तुम्हारा एहसान झेलना? बिजली का कनेक्शन ना लेना मतलब बिजली महकमे की बेइज्जती। ओ जिंदगी में पहली बार इतनी बेइज्जती हुई है। ओए खंबाराम बस निकल जल्दी यहां से। हां हां निकलो निकलो। अच्छा भला कान में से मैल निकाल रहा था, टाइम बर्बाद कर दिया सारा। पूरे दिन में 4 काम कहता हूं आपको, उनमें से एक काम नहीं हो सकता आपसे अच्छी तरह। एकदम इनएफिशिएंट और नालायक स्टाफ है मेरे पास, समेत आपके। सॉरी सर। सर वैसे उन पंडा ने तुम्हारी बेइज्जती बहुत की थी, गल हौली हौली सारे दफ्तर च फैल गई सर। अच्छा? हाँ जी। कोई नहीं, एक बार बिजली कट गई ना फिर देखना कैसे आते हैं मेरे पास रोते रोते। आप जरा एक्शन से मेरी बात कराओ। हाँ जी। लो जी सर। हेलो एक्सिन, धोखा राय स्पीकिंग। हाँ जी धोखा राय जी। हाँ स्पीकिंग। हाँ जी सर जी, जरा चेयरमैन साहब के साथ बात करें। साफ तो कर दो। हाँ भाई। हाँ जी सर जी। ओ क्या हुआ पाले बाले के कनेक्शन का? हाँ जी सर जी, मैं आप गया हूँ कनेक्शन काटने,
मरासियों की बिजली काटने में इतना टाइम? अगर किसी बड़े जमींदार की बिजली काटनी हो तो आप तो पूरा महीना लगा दोगे। और सर जी काट दी समझो। काट दी समझो या काट दी है? सर मेरा मतलब मैं अपने हाथों से काट रहा हूँ। ये लो जी, ये काट दी। ओए धोखा राय साहब, और मेरे साथ तो धोखा ना करो। सर मरासियों ने तो रोना पीटना भी शुरू कर दिया जी। वेरी गुड, ये हुई ना बात। और ले मेरे साथ पंगा। सत श्री अकाल सर। नमस्ते सर। आओ भाई आओ, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। करा है मरासियों का काम? ओ ना जी ना, उनका कनेक्शन नहीं काटा जा सकता। क्यों, उनके मीटर के साथ कुत्ता बंधा हुआ है? नहीं जनाब, कुत्ता नहीं बंधा हुआ, कुत्ता फंसा हुआ है। उनके घर पे कनेक्शन है ही नहीं तो काटे क्या? ऊपर उनकी बिजली काटनी तो बहुत जरूरी है। पर सर बिजली तो तब काटेंगे ना जब बिजली होगी, बिजली है ही नहीं। भाई कमाल की बात है यार, मैंने अभी तो चेयरमैन साहब को फोन पर कहा कि उनका मीटर तो मैं आप काट कर आया हूँ। वो सर उनके घर पे मीटर है ही नहीं तो उनका अखाड़े क्या? देखो ऐसा करो, पहले मीटर लगा दो फिर काट दो। गुड आइडिया सर। वैसे सर मैं भी यही सोच रहा था। ओ चुप करो, तेरी इतनी बड़ी सोच कैसे हो सकती है? ओ असरों का दिमाग तो अफसरों का ही होता है। क्यों सर? थैंक यू सर। हम ऐसा करते हैं, पहले उनके घर पे मीटर लगाते हैं और साथ के साथ काट देते हैं। और वैसे भी सर भगवान ने हमें हाथ किस लिए दिए हैं? मीटर काटने के लिए नहीं सर। शट अप। चलें सर। हाँ जी सुजीत जी, हो गया आपका काम? कौन कहता हो गया? भाई मैं पूछ रहा हूँ कि हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, मेरी तो बिजली कटी हुई है। और तब तक आप थालियां तो बनाओ जब तक गिलासों की परमिशन नहीं मिलती। किस तरह से बनाए सर? पहले मेरी बिजली का कनेक्शन तो बहाल कराओ। ये जो 2 लाख का जुर्माना आपने मुझ पर ठोक दिया, ये तो बिल्कुल नजायज है। मैं तो घुस गया ना पतीले में। चलो कोई नहीं, विल टेक यू आउट ऑफ योर पतीले, आई मीन योर यूटेंसिल्स। आप एक काम करो, आप ये ले जाके धोखा राय जी को दे दो, मैं उनको कह दूंगा कोई नजायज नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सर। वाह भाई वाह। वे पाले, मैं तो आज जा रही हूँ शॉपिंग। ना तुझे शर्म नहीं आती? रोज रोज खाली पर्स लटका के दुकानों में घूम रही होती है। नतीरिया, यहाँ बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है ना, जो मैं पर्स में नोट भर भर के घूमती फिरूं। ना पत्थर भर लिया कर, रास्ते में कई बार कोई छेड़ ही देता है, पत्थर नहीं मिलते। अब कौन सी उम्र रहेगी, अब कौन मुझे छेड़ेगा? जो ना छेड़े उसके तो मार दिया कर। मुझे बड़ी बारी कहा है कि जब मैं शॉपिंग पे निकला करूँ मेरा रास्ता ना काटा कर। ना तू शॉपिंग पे लेने के जा रही है? मैं लेने जा रही हूँ एक स्टील का ग्लास और एक थाली। ना हम बंदे घर में आ गए, 4 तो तू थाली लेने जा रही है एक? वो तो मैं आए गए के लिए लेने जा रही हूँ, तुम सब तो रोटी अखबार में रख के खाते हो। भाई अखबार पे रोटी रख के खाने का स्वाद ही अलग है, आधी खबरें तो रोटियों पे छप जाती हैं। तभी रात को नींद में खबरें बड़बड़ा रहा होता है ना। 4 नौजवानों ने लड़की की इज्जत लूटी, प्रधानमंत्री कहता है देश तरक्की की राह पे है, हुशियारपुर में बिजली गिरी, सीएम कहता किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। लो जी रिश्तेदारों को मिलो, आज अपने घर बिजली वाले फिर आ गिरे। ओए खंगों की छांव के नीचे ताज खेलने वालों, ओए अब के लेने आए हो इत्थे? रब झूठ ही बुलावे, लेने के यहाँ माँ का सिरा है, बस बार बार बेइज्जती कराने का चस्का पड़ गया ज्यादा। एक रिक्वेस्ट है जी। वो इधर की रिक्वेस्ट करी जा रहा है, वो इधर गल कर। इधर को देख के बात करनी पड़ रही है जी, दरअसल में ना मेरी गर्दन में बल पड़ गया जी। सद के जावा जय साहब, बल आपकी गर्दन में नहीं पड़ा हुआ, बल आपकी नीयत में पड़ा हुआ है। इधर देख के बात कर, फूफा जी इधर खड़े हैं, इतनी ललचाई नजरों से तो पाले ने कभी प्रीतों को नहीं देखा जितना तू देख रहा। सर हम यहाँ कनेक्शन लगाने आए हैं, जूते खाने आए हैं। अब ठीक है। दरअसल सर हम आपके फायदे की बात करने आए हैं जी। एडवांस ले आंदा ओए। एडवांस? सर एडवांस नहीं, हम तो फॉर्म लेके आए हैं जी, ये फॉर्म भरो और बिजली लगवाओ। ना बिजली इसके लगा दे, इसका दिमाग हिला हुआ है। अब बस करो। इसका दिमाग तो बहुत ही चलता है, तुम बिजली एक दूसरे को लगाओ ना। ना जी ना, हम उस बिजली की बात नहीं कर रहे जो पागलों को लगाई जाती है। हम तो चाहते थे कि आपके घर में बिजली का कनेक्शन लगा। और आपदा वास्ता हमको कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, आप हमारा पीछा छोड़ो जी। आपने बताओ, मैं तो चली हूँ शॉपिंग। बहन जी अगर जा रहे हो तो 400 वाट के बल्ब ले आना, घर जगमग करेगा। ना कोई जरूरत नहीं, ये तो लाटू बहुत है। हाँ भी गल समझ लगी कि आप जग के दिखाएं। कोई रोशनी? खैर पाला जी आप हमें 2000 रुपए दो, आपकी सिक्योरिटी जमा कर दें और साथ ही आपको कनेक्शन दे दें। पाले बैलों के घर ये लस्सी ढूंढ रहा है। ओ सरपंच साहब, ये बत्ती वाले तो ये खड़े हैं,
पर हम इनको सारे गांव में ढूंढे जा रहे हैं। लो आ गया कंधों से साइकिल चलाने वाला। तुमने तो हमारे ट्यूबवेल का कनेक्शन लगाना था आज। ओ ना जी ना सरपंच साहब, आज हमारे पास टाइम है नहीं, आज हम तुम्हारा कनेक्शन ही लगा सकते। जाने दो यार, अच्छे बंदे हो, 3 महीने से मैं हैरान कर रहे हो, आज सुबह से फिर लड़का रखा है, और यार एक सरपंच को इतना परेशान कर रहे हो तो आम जनता का क्या हाल करते होगे? सरपंच साहब, हमने इनको 5,000 रुपया रिश्वत दी है, ये फिर भी हमें टरकाए जा रहे हैं। ओ जेई साहब, हम गरीबों से आपको क्या मिलना है? देखो सरपंच साहब कंधों वाले साइकिल पर आए हैं, पहले इनका कनेक्शन लगाओ, आपकी अच्छी खातिरदारी भी करेंगे। आखिरी बात ये है बालाजी कि आपका कनेक्शन लगाए बिना हम लोग यहाँ से जा नहीं सकते। न पहले सरपंच का कनेक्शन लगाओ, जो पिल्ले की तरह सूंघता सूंघता तेरे पीछे आ गया। और अब दा वास्ता देखो कैसे बल पे बल पड़ रहे हैं, बेचारा 1 घंटे से गियर पे गियर बदले जा रहा है। बड़ी मुश्किल से पकड़ पकड़ा के रात को न्यूट्रल करना पड़ता है। मुझे लगता है हमें इन मरासियों की सिफारिश मान ही लेनी चाहिए, हो सकता है इससे खुश होकर ये कनेक्शन लगवा लें। ठीक है सरपंच साहब, ये अब पाला साहब और बाला साहब की सिफारिश है, टाल इन्हें हम सकते नहीं है। चलो पहले आपके ट्यूबवेल का ही क्रियाक्रम करते हैं। कमाल करती है यार, बहुत बहुत मेहरबानी बाला साहब, बहुत बहुत मेहरबानी पाला साहब। आओ जी, आओ जी। इसको कहते हैं रब की रहमतें, अब हम पाला बाला से पाला साहब बाला साहब हो गए। वो इसका मतलब अब चश्मे चढ़ा लें। चढ़ा ही लेते हैं। अच्छा अब सुन, जब हमारी शादी हो जाएगी तो मुझे खिलाएगा कैसे? हाथों से। वो तो मुझे भी पता है, सब हाथों से ही खिलाते हैं। चल ठीक है, फिर मैं तेरे को पैरों से खिला दूंगा। नहीं मेरा मतलब रोटी आएगी कहाँ से? तवे से। अब तू पूछेगी तवे पे रोटी कहाँ से आएगी? देख तू आटा गूंदेगी, आटा गूंदते हुए तेरियां चूड़ियां छन छन करेंगी, फिर तू अपने गोरे गोरे हाथों से एक पेड़ा बनाएगी, उसको बेलेगी, उसको तवे पे डालेगी, फिर धीरे धीरे फुलका फूलेगा, तू उसको थाली में सजाएगी, तो फिर मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगा। अच्छा अच्छा बात सुन, तू रोटी कमाएगा कैसे? मतलब करंट कोई कामकाज तो करना ही पड़ेगा ना। कोई नौकरी कर लेंगे या फिर खेती। नौकरी के लिए पढ़ाई जरूरी है और खेती के लिए जमीन। ओ पढ़ाई का सर्टिफिकेट तो मैं ऐसे ही बनवा लूंगा, और रही बात खेती की, खेती हम गमलों में कर लेंगे। गमलों में कनक बीजेंगे, मक्की बीजेंगे, थोड़ी सी मूली भी उगा लेंगे, और गमलों को हम छत पे रख लेंगे। वाह 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 वाह, तो तू गमलों में खेती करेगा और मैं रोटी लेके तेरे पास आऊंगी, है ना? आए हाय, जट्टी 15 गमलों वाली छत पर चली लेकर खाने की थाली। दफा हो, अगर मेरे साथ शादी करनी है तो कुछ ढंग की नौकरी करनी पड़ेगी, वरना मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और कर देनी है। अच्छा ठीक है, मैं अपने बापू से बात करता हूँ, वो मुझे कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा देंगे। देखो भाई, यहाँ रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप ग्लास भी बनाते। वैसे काम देखो इल्लीगल है, अब बताओ हमको क्या सपने आते हैं कि आप लोग ग्लास भी बनाते हो? वैसे एक्सियन साहब, जिस गिलास में आप पानी पी रहे हो ना, ये भी हमारी फैक्ट्री का बना हुआ है। ओ मुकेश। हाँ जी। और ये इल्लीगल गिलास कहाँ से आ गया भाई? फेंक इनको बाहर। हाँ जी जी, जो 2 दर्जन आपके घर भिजवाने हैं वो भी फेंक दो बाहर। शट अप। सॉरी सर। सर जी हमारा फैसला तो हो जाने दो, क्यों यूं ही गिलासों को बाहर फेंकवा रहे हो? वैसे आपको चेयरमैन साहब ने भी फोन किया होगा। आया था फोन, चेयरमैन साहब ने कहा था कि नाजायज नहीं होनी चाहिए, पर उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि नाजायज आपके साथ नहीं होनी चाहिए या हमारे साथ। सर ये तो कोई बात ना बनी। आप 2 लाख फाइन जमा करवाओ, बात तो अपने आप बन जाएगी, बिजली भी चालू कर देंगे, बाकी इंक्वायरी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, थाली की थाली ग्लास का ग्लास हो जाएगा। मतलब हमें पतीले में घुसा के ही छोड़ोगे, काम नहीं करोगे? अपने काम की वजह से यहाँ टिका हुआ हूँ, 3 सरकारें बदल गई, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि जो मुझे हिला सके। बाकी जाओ आप अपना काम करो। अच्छा चल फिर चले, कोई तरीका ढूंढे। एक्शन साहब को हिलाने का? नहीं नहीं, अपना काम कराने का, इन्हें कौन हिला सकता है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। पावर मंत्री के पास टाइम नहीं है, 1 ही मिनट आया आपके पास बात करने को। और कितने बंदे हैं? बाढ़ आई हुई है जी बाहर लोगों की, इलेक्शन के दिन है, ना चाहकर भी आपको सबसे मिलना पड़ेगा। पता है नलायक। ओ पावर मंत्री दिया पावरा बढ़ती रहे, झंडी वाली गाड़ियां भागती फिरे, कुर्सियां सलामत रहे, चमचे खड़े रहे, विरोधी दबे रहे, घोटाले ढके रहे। ओ बस ओए। अभी मेरा शिव, जल्दी जल्दी बताओ कैसे आना हुआ। ओ पहले को चाय पानी तो पूछ ला, और तू तो ऐसे गल कर रहा है जैसे तेरे खेत में पशु घुस आए हो। जख्म देने को पाला, मलम लगाने को बाला, रब झूठ ही बुलावे, हम कोई मरासी मरूसी नहीं, तेरी चलती फिरती वोट है वजीरा। जय भाई वरियाम, चाय मंगा इनके लिए। चाय मीठी पियोगे फीकी?
और मीठी पियेंगे और सानू को शुगर हुई है या हमारे पे कुछ चीटियां चढ़ती देख ली है। पत्ती ठोके के पत्ती रोक के वो पत्ती हिसाब से पियेंगे और दबा के पीने को हमने को ट्रक चलाना। ओ यार आप किस तरह की चाय पियोगे? और आप बता वास्ता जैसी मर्जी चाय लाना पर तबीजों वाली चाय ना लाना। तबीज वाली चाय? अरे वो जो तबीज जैसी पोटली की कमर पर नाड़ा बांध के गर्म पानी में टप टप करके गोते लगाते हो ना, सौ रब दी मुंह का मजा ही किरकिरा हो जाता। बाद ना डाल और दूध में सीधी पत्ती डाल बीच कड़छी कड़छी शक्कर डाल, साथ में आधा किलो जलेबी मंगा, बंदे ने मुंह भी मीठा करना होता है। बिल्कुल जा भी अभी पूरी बेइज्जती करा के जाएगा, कसर रहेगी कोई? हाँ चलो अभी चाय तो आ जाएगी, जल्दी जल्दी काम बताओ। काम तो जजमान बहुत ही छोटा है और तुझे करते हुए शर्म आएगी, तेरी आत्मा तेरे को कोसेगी, ये कोई करने वाला काम था? ऐसे काम तो जनता के अपने आप ही हो जाने चाहिए। ओए काम तो बताओ। ओ जी रखी दसिए, इतना छोटा काम है हमें बताते शर्म आती है। अच्छा ठीक है भाई, जब शर्म उतर जाएगी तब आ जाना। उतर गई। ये हमारा काका करंट है जी, बस इसे नौकरी लगवा दो, आपकी तरह थोड़ा जिद्दी है, कहते लगना तो बस बिजली महकमे में लगना। कहाँ तक पढ़ा है? बस दो चार जमातें की होगी, हमने गिनी नहीं। फिर गिनते तो हम तब जब हम घर में रहते, काम काज में इतने मसरूफ रहते हैं, सौ अवधि गिनने का टाइम ही नहीं लगा। बैठे ओए, तुमको शर्म नहीं आती? चौथी फेल बच्चे को नौकरी दिलवा रहे हो? जजमान मैंने तो पहले ही कहा था काम इतना छोटा, तेरे को करते हुए भी शर्म आएगी। बैठ काका। ना ना मुझे तो गाल ही नहीं समझ आ रही, जब इलेक्शन थी तब तो बड़ा गला फाड़ रहा था, अगर जीत गए तो नौकरियां ही नौकरियां। चौथी फेल बच्चे को मैं नौकरी कहां दिलवाऊं? ले जजमाना, अगर तू तीसरी फेल मंत्री लग सकता तो ये चौथी फेल लाइन मैन नहीं लग सकता। अच्छा अच्छा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, छह महीने बाद मिलो फिर देखूंगा क्या कर सकता हूँ मैं। लो आ गई आपके लिए दूध और जलेबी। हमको जलेबियों के भूखे नहीं, चल काका यहाँ से मेरी आने को उठा ले। चलो फिर। जलेबियों ने थोड़े ना हमें मना किया है, खाने पीने पे काका गुस्सा, जलेबियों तो खा चले। गल काके की ठीक है, ये संभाल अपनी ऐनक, नौकरी तो मिली नहीं, कहीं ऐनक भी घुमा दे। बैठो। सरपंच साहब प्लीज आप ढूंढो कोई सिफारिश, बिजली वालों ने तो मुझे पतीले में घुसा रखा है, कोई हाथ पल्ला ही नहीं पकड़ा रहे। सुरजीत सिंह जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई चक्कर नहीं, हमारे गांव के पाला और बाला मरासी है ना, बड़ी चलती है उनकी, उनको साथ ले जाओ, मिनटों मिनट में काम होगा आपका, मिनटों मिनट में। मरासी वो है, मजाक तुसी कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा जनाब, तुम उनको जानते नहीं, मेरा अपना ट्यूबवेल का कनेक्शन 3 महीने से लटक रहा था, जरा सा पाले बाले ने कहा, जेई ने खुद खड़े होकर कनेक्शन चालू करवाया था। क्या कह रहे हो? हाँ जी, मुझे गाय के बछड़े की कसम, ये मेरी आंखों देखी बात है, नहीं है तो बार तो पीछे खड़ा है मंत्री का चपरासी, उससे पूछ लो। हाँ जी, हमारे मंत्री तो किसी को चाय का कप तक नहीं पूछते, पर मरासी वहाँ पे दूध और जलेबियाँ खा रहे थे। हाँ चल फिर चले, हाँ हम ये सिफारिश भी लगवा के देख ले। हाँ जी, सस्रीकाल जी। सस्रीकाल जी। 10,000 थाली युगांडा भिजवा दो। सर लाइट तो है नहीं, इतनी थालियाँ कैसे बनाएंगे? सर मुझे लगता है कनेक्शन काटे जाने का सारा बोझ आपके दिल पर पड़ रहा है, आप ऐसा करो ये दवा खा लो। कुछ नहीं हुआ मेरे दिल को यार, कुछ नहीं हुआ। सुनाया थालियां बनाते हो? आप कौन से महकमे से हो? एक्साइज, इनकम टैक्स या पोल्यूशन डिपार्टमेंट से? भाई हम तो ग्राहक हैं, मैं तो मैडम ही बड़े वखरे टाइप टोप की हूँ, मुझे तो शॉपिंग का शौक ही बड़ा है। शुक्र है कोई ग्राहक आया है, वरना इस फैक्ट्री में ग्राहक कम और छापे मारने वाले ज्यादा आते हैं। मैं तो बड़े ही दिनों से थालियाँ ढूंढ रही थी। ये तो मैं इसे यहाँ लेकर आई कि भाई अगर अच्छी और सस्ती थालियाँ लेनी है तो जीता इंटरनेशनल से ले। कितनी थालियाँ चाहिए आपको? 1,000 के 2,000 पीस। अगर 1,000 पीस चाहिए ना तो 80 रुपए थाली लगेगी, अगर 2,000 पीस लोगे तो 75 लगा लूंगा, अगर 10,000 लेनी हो तो फिर आपको ठहरना पड़ेगा। ये कोई हिल स्टेशन है जो हम यहाँ ठहर जाएं? ओ जी इनका मतलब है कि वेट करनी पड़ेगी, अब बिजली महकमे ने हमारी बिजली काटी हुई है, प्रोडक्शन हो नहीं रही। आजकल में हमें दोबारा बिजली मिल जाएगी। 10,000 थाली आपको 65 रुपए के हिसाब से लगा देंगे। सीधी बात कर सरदारा, कितनी थालियाँ लो कि मुझे सारी थालियाँ मुफ्त पड़ जाए। आप तो मजाक कर रहे हो। इनका तो काम ही है मजाक करना, ये तो मशहूर मरासी पाले की वाइफ हैं और बाले की भाभी हैं। भाभी जी हुक्म करो, कितनी थालियाँ चाहिए थी? वैसे तो मैं एक ही थाली लेने आई थी, पर सरदारा तो जोर डालता है तो दो ले लेती हूँ। 4 बढ़िया क्वालिटी की थालियाँ पैक करवा। हाँ जी। अरे अरे सुन। हाँ जी हाँ जी। 8 का बात ठीक है जी, आएगे के लिए भी तो चाहिए होती है ना भाई। रेट? अपने ही घर जानी है, रेट का क्या मतलब है? भाभी जी आप पाला साहब को कह के थोड़ा सा हमारा बिजली का काम करवा दो। तो कहते
लगता है तो मैं बोल देती हूँ, पर मेरे को नहीं लगता पाले की कोई सुनता है। भाभी जी आपको अपने घर वाले की कीमत ही नहीं पता। ये लो जी 8 थालियाँ। और कोई सेवा? भाई सरदारा इनके ऊपर नाम नहीं लिखाया जा सकता, नाम लिखाने से थालियाँ गुम नहीं होती। क्यों नहीं जी, बताओ तो सही क्या लिखवाना है? इनके ऊपर लिखवा देना मरासी पाले और बाले की अपनी थालियाँ। अपनी मतलब? अपनी मतलब किसी और से नहीं मांगी, अपनी है। आपने अपने घर की हर एक चीज पे अपना नाम लिखवाया हुआ है? और क्या, पाले ने तो मेरी बाजू पर भी लिखवाया, पाले की अपनी बीवी। लिखवा देते हैं, लिखवा देते, लिखवा देते। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी ड्राइव इतनी स्मूथ है कि आप 10 मिनट पहले घर पहुंच जाओगे और अपनी वाइफ के डांट से बच जाओगे। रोमी yes? इन्हें प्लीज टेस्ट ड्राइव पर लेकर जाओ। आइए सर, आइए। बिजली बिजली ओ, काटो। ये ले मुंह मीठा कर। पर हुआ क्या है? तेरा उस लड़के से पीछा छूट गया जो तेरे पीछे पड़ा था? पीछा नहीं छूटा, उसके साथ मेरी बात पक्की हो गई। बात पक्की हो गई? वैसे बिजली हाँ? तेरे मजनू का क्या बना? ओ यार मैं बहुत टेंशन में हूँ यार, वो कोई कामकाज नहीं करता और ऐसे निकम्मे के साथ मेरे पापा ने मेरा ब्याह ही नहीं करना। यार बिजली हाँ? मैं तुझे एक स्कीम बताऊँ? क्या? तू ना उसका दिल तोड़ दे। दिल तोड़ दूँ? देख तूने ऐसे कर किसी और लड़के के साथ प्यार का झूठा नाटक कर जो नौकरी लगा हो, क्योंकि ये सब देख के या तो तेरा मजनू पूरा ही मजनू हो जाएगा या फिर कोई नौकरी या बिजनेस करने लगेगा। काटो वो मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे किसी और के साथ देख के या तो वो आप खुदकुशी कर लेगा या फिर उसको मार देगा। ओहो यार तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है, यहाँ तक तो हमने नौबत ही नहीं आने देनी। देख पुत्र करंट, जख्म देने को पाला, मलम लगाने को बाला, रब झूठ ही बुलावे, देख तू अब हो गया है जवान, अब तो अपने धंधे के दाव पे सीख ले। एक हाथ में चमोटा पकड़ के दूसरे हाथ पे ऐसे मारते हैं। वो इसे करके दिखा देते हैं। लो अभी दिखा देते हैं। ये सीखेगा और अपने खानदानी काम पे लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई पाले। हाँ भी पाले। जब मेरे पे जवानी आई, जवानी आई, मेरे ससुर जी मुझे देखने आए, ससुर जी देखने आए, मुझे आके पूछते काके तुझे दहेज में क्या चाहिए? क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे पूरा का पूरा अफीम से भरा एक कमरा दे दो। अफीम से भरा कमरा दे दो? ससुर जी बोले अगर तुझे पूरा का पूरा अफीम से भरा कमरा दे दिया तू बैठेगा कहाँ? बैठेगा कहाँ? मैंने कहा ये अफीम तो मैं शाम तक खा जाऊंगा, बैठने की जगह अपने आप बन जाएगी। जब मेरे ससुर जी मुझे देखने आए, ससुर जी जब तुझे देखने आए, वो कहते मुंडा हमें ना लंबा चाहिए ना नाटा चाहिए। लंबा चाहिए ना नाटा चाहिए? वो हमने उठक बैठक शुरू कर दी। उठक बैठक शुरू कर दी? उठक बैठक शुरू कर और दी। वो क्यों? और मैंने कहा जो साइज चाहिए ले लो। ओ बस करो ए, बस करो ए। भाई हमने अब अपने करंट का ब्याह करना है। देख भाई पुत्र करंट, तेरे ब्याह में लड़की वालों से दहेज में हमें मांगना है एसी। ना घर में बिजली है नहीं, एसी कोले से चलेगा वो? ओए दूर फिटे मुंह, ओए दूर फिटे मुंह, इसको कहते हैं जुगत करना। अब तेरी बारी है, पकड़ चमोटा और कर प्रैक्टिस। बापू तू ना मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, और ताया तू भी अपने कानों में से मैल निकाल ले जरा। मैंने ये भांडपुना करके पैसे नहीं कमाने। क्या बात, अंबानियों के यहाँ पैदा हुआ है? जो तुझे जायदाद के बंटवारे में तेल के कुएं आएंगे। मैंने कहा ना मैंने भांडपुना नहीं करना तो नहीं करना बस। न रोटी गुरुद्वारे से आएगी। तन बाबा अटल देता पकी पकाई हर पल, ये लो रोटियां खाओ और गिने जाओ। भाभी आज रोटी थालियों में? वो ये थालियां किसी से मांग के लाई है? मांगे नहीं अपनिया है, देख पीछे लिखवाया हुआ है पाले बाले की अपनी थालियां। ले मेरे बेटे तू रोटी खा। नहीं ताई मुझे भूख नहीं है, मैं जा रहा हूँ। हाँ इसे क्या हो गया? जब पेट में चूहे कूदेंगे ना खुद ही चाऊ चाऊ करता आ जाएगा। डाल उसकी रोटी मेरी थाली में। ले तू यो ठूस ले। कितने शर्म की बात है, तुम लोग अभी तक मरासियों के घर बिजली नहीं लगा सके। ओ जनाब बड़े अड़ियल बंदे हैं, किसी की बात ही नहीं सुनते, ऊपर से बेइज्जती बहुत करते हैं। और कई बार किसी काम में बेइज्जती करवानी भी पड़ती है। ओ जनाब आप हमारी बेइज्जती करो तो धर्म से छाती चौड़ी हो जाती है, अब किसी अरे गहरे कंज्यूमर से थोड़ी बेइज्जती करानी है। कब बिजली लगेगी और कब कटेगी? सर हमें तो रब ने हाथ बिजली काटने के लिए दिए, वो लगवाए तो सही कि नहीं सर? नहीं भाई नहीं, 49.2 की फ्रीक्वेंसी चल रही है, पहले हम 7-8 रुपए यूनिट बिजली खरीद रहे हैं और क्या करें? ना 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 ना, इतनी महंगी बिजली खरीदने की और कोई जरूरत नहीं है। ये काम करो आप 2 घंटे पावर कट और बढ़ा दो। अजीब क्राइसिस आ गई। हाँ सर, ऊपर से 2% के मिरासी मजाक उड़ाए जा रहे हैं, हैं? बात फैले जा रही है। भाई वो बिजली कटने के बाद वो मरासी रोते पीटते ही आए कि नहीं आए? सर अभी तक यहाँ तो नहीं आए, हो सकता है एक्शन साहब के ऑफिस के बाहर खड़े हों। एक्शन को फोन लगाओ। अच्छा जी। और उनसे कहो
कि जब तक चेयरमैन साहब ना कहें, हाँ जी, तब तक उनकी बिजली बहाल ना की जाए। ओके सर। ओ, चेयरमैन साहब का फोन। जनाब, चेयरमैन साहब का फोन ही है, वो खुद थोड़ी आए हैं। बैठो बैठो बैठो। हेलो सर। हाँ जी, मैं PA2 चेयरमैन बोल रहा हूँ। हाँ साहब, पूछ रहे हैं कि वो मिरासी बिजली कटने के बाद हैरान परेशान होकर ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं ना? वो अभी तो हम ही उनके चक्कर लगा रहे हैं जी। हैं? मेरा मतलब जी, मिरासी बड़े परेशान है जी, अभी भी हाथ जोड़कर बाहर ही बैठे हैं जी, मैं उनको मिलने का टाइम नहीं दे रहा। सर बड़े परेशान है मिरासी, चक्कर लगा रहे हैं चक्कर। वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। साहब कह रहे हैं कि उनके अच्छी तरह चक्कर लगवाओ और एड़ियां घिसवाओ। ठीक है सर। जब तक साहब के ऑर्डर ना आ जाएं, उनकी बिजली बहाल नहीं करनी। ओके सर, ओके। और रब के वास्ते मरासियों के घर बिजली लगा के उसी वक्त काट दो, नहीं तो चेयरमैन साहब ने मेरे कील ठोक देने हैं। जी सर, चेयरमैन साहब कारपेंटर भी हैं। शट अप। आप मुझे निर्मल का घर बता सकते हो? जी, इस गांव में 4 निर्मल हैं, 2 निर्मल सिंह, 1 निर्मल कुमार और 1 निर्मल कौर। आप कौन से निर्मल की बात कर रहे हो? अगर इस गांव में इतने निर्मल रहते हैं तो आप इस गांव का नाम बसी निर्मला क्यों नहीं रख लेते? बसी पठाना रखा हुआ है। मैं जी एक्चुअली निर्मल सिंह का घर ढूंढ रहा हूँ, जिनकी 50 acres जमीन है फतेहगढ़ रोड पर। एक तो फतेहगढ़ नहीं, फतेहगढ़ साहब कहो, और दूसरा निर्मल सिंह नहीं, सरदार निर्मल सिंह जी कहो। देखो जी, फतेहगढ़ साहब तो ठीक है, बट मैं निर्मल के आगे सरदार और बाद में जी क्यों लगाऊं? क्योंकि सरदार निर्मल सिंह जी मेरे पिताजी हैं। ओह जी, मैं तो आपका घर ही ढूंढ रहा था जी। आओ मेरे पीछे पीछे। ओके। नहीं, आपको शर्म नहीं आती? एक लड़की पैदल चल रही है और आप बड़ी अक्कड़ के साथ अपनी गाड़ी में बैठे हुए हो। आपने ही तो कहा था जी पीछे पीछे आ जाओ। आई एम सॉरी जी, आओ प्लीज बैठो जी। वैसे बताना तो नहीं चाहिए पर मेरा नाम बिजली है। बिजली कितने वाट की? वाटों का तो पता नहीं, पर कोई हाथ लगाए तो वाट निकाल दूंगी उसके। वैसे मेरा नाम अश्विंदर पाल ऋतुराज सिंह है। अकेले का नाम है या पूरी फैमिली का? वैसे लोग मुझे प्यार से आशु कहते हैं, आप भी मुझे प्यार से आशु कह सकती हैं। मुझे कौन सा प्यार है आपके साथ? कोई नहीं जी, बिना प्यार से ही कह लेना। गाड़ी रोको। सॉरी जी, क्या हुआ, गुस्सा आ गया? गुस्सा नहीं आ गया जी, मेरा घर आ गया। ओ, ये है निर्मल सिंह जी का घर जिनकी 50 acres जमीन है जी। अब आपने देख लिया? हाँ जी। अब आप जाओ। बट मैंने तो इनको मिलना था जी। वो तो चंडीगढ़ गए हैं, 2 दिन बाद मिलेंगे। ये बात आप पहले ही बता देते वहाँ। आपने तो कहा था आपको सरदार निर्मल जी का घर देखना है, वो मैंने दिखा दिया। और फिर अपने करंट को झटका देने की कोई स्कीम वगैरह सोची कि नहीं? यार एक लड़का है तो सही मेरी नजर में, अगर काबू आ जाए। कौन? तू नहीं जानती। तू क्या, मैं भी नहीं जानती। पापा को मिलने आया था, शायद आज फिर आए। पर बिजली, तेरे पापा से क्या काम है उसको? यार पापा के काम का तो पता नहीं, पर मेरे काम आ सकता है। पढ़ा लिखा, नौकरी लगा और कार उसके नीचे है। झूठे प्यार का नाटक करके दे दे करंट का झटका। देखना मुकाबले में आते ही बंदा बन जाएगा। ओ पाला जी, ये फॉर्म हमने आपका भर दिया है, आपने सिर्फ साइन करने हैं, सिक्योरिटी हम आपकी अपने आप जमा करा देंगे। और तुम फिर आ घुसे? हमने तो सुना था बीमे वाले सबसे ज्यादा ढीठ होते हैं, पर सौर अवधि तुम तो उनके भी बाप निकले। ओ तुसी बंदे हो या जनेचर, हर हफ्ते मुंह उठा के आ जाते हो।
तो सर और मुंह घर पे थोड़ी छोड़ कर आएंगे जी। ओ ऐसे मुंह को तो जूता घर वाले भी जवाब दे देते हैं कि हम नहीं रख सकते, दूसरे जूते गुस्सा करते हैं। आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज प्लीज बिजली लगवा लो। ओ बिजली लगवा ले, हम पागल हैं जो आदत डालें बिजली की। ओ अब तो हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं, तो फिर जब रोज कट लगा करेगा लोगों ने हमारा मजाक उड़ाना है। सर हमारी इज्जत अब आपके पैरों में, यहाँ उठा कर इसे यहाँ पर लगा दे, जा इसको ठोकर मार दे। है दुश्मन वो ठोकर मार दिए। वो ऐसे नहीं मानना बाले इसने, वो निकाल अपने हथियार। वो पीछे हटो, हमें हमारा हथियार उठाने दे। भाई हमें प्रोग्राम से ना लेट करवाया जा रहा है, बड़ी मुश्किल से कहीं काका पैदा हुआ है। बिजली लगा लो, बिजली लगा लो, टाइम खराब कर दिया। हम वहाँ बाहर बैठे रहेंगे और दफ्तर में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पकड़ो पकड़ो सर, पकड़ो उनको, पकड़ो। चलो चलो सर, जल्दी करो। चलो सर, चलो 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 चलो। मैंने तुझे कहा था ना इनकी बहुत बड़ी सिफारिश है। सर मुझे तो लगता है मंत्री साहब ने आप कहा है इनको कनेक्शन लगाने के लिए। मैं तो कहता हूँ जाके इनके पैर पकड़ लेते, नहीं तो घुस जाएंगे पतीले में। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ जी, किससे मिला आपको? निर्मल सिंह को। ओह आई मीन सरदार निर्मल सिंह जी को। मैं जी काफी देर से घंटी बजा रहा हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा। आप अखबार नहीं पढ़ते? अखबार में छपा अंदर कोई नहीं है। नहीं जी, अखबार में ये लिखा है कि आज बिजली का कट है, तो घंटी कैसे बजेगी? आपका इलाका तो बहुत ही बढ़िया जी, अखबार के हिसाब से लाइट आती जाती है। हाँ जी, 4 घंटे अखबार के हिसाब से आती जाती है, बाकी 15-16 घंटे बिना अखबार मुताबिक। वैसे काम क्या आपको पापा के साथ? मैं जी एरिया मैनेजर हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी का, जिसका नाम है ग्रीन एंड ग्रीन्स लिमिटेड। हम किसानों से जमीन लंबे समय के लिए किराए पर लेते हैं, मतलब कि लीज पर, और हम किराया भी बढ़िया देते हैं। जो सब्जियां किसान बोएंगे उन्हें हम खरीदेंगे भी। ये इतनी सारी सब्जियों का आपने लंगर लगाना है? लंगर नहीं लगाना जी, हमारे अपने वेजिटेबल स्टोर्स हैं, हम लोगों को बढ़िया सब्जी देते हैं। ओह सारी बातें आप बाहर ही पूछेंगे, अंदर नहीं बुलाएंगे? मैं भूल ही गई, आओ। ओ, ओ, कमाल है बिजली जी, आपके आने से बिजली भी आ गई। ओ क्यों भी पाले? हाँ भाई पाले। और लोगों के घर दही नहीं जमता है, इनके घर पुत्र जम पड़ा है। ओए दुर्फटे मुंह, ओए जख्म देने को पाला, मलम लगाने को बाला, रब झूठी बुलाए काके की आने की, अड़ोसियों पड़ोसियों को लाख लाख बधाइयां हो। दुर्शावश है, वो बधाइयां मुंडे के बाप को देते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों को दिए जा रहा है। बड़ा होके काके ने काम भी तो पड़ोसियों के आना है ना। पड़ोसियों के? वो कैसे? और जब बिजली जाएगी तो उन्होंने आवाज मारनी है बिजली चली गई है, जरा काके को भेजना, जरा बेटे को भेजना, जरा काके को भेजना। ना बेटा जनरेटर है। और काका है इतना सोना कि बड़े होके चिंगारियां छोड़ेगा। बस ओए, वो भी बाले। हाँ भाई पाले। वो बेटे का नाम क्या रखना है? जो मर्जी नाम रख लो, लोगों ने तो उसको ओए ओए करके ही बुलाना। ओए भूतनी किधर आओए। छोड़ ओए। बस 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 बस, ये लो पकड़ो अपना शगुन। 100 रुपया? और सरदारा लोग तो बिल्ली के बलूंगड़े होने पे 500 दे देते हैं, तू तो 100 दे के टरकाए जा रहा है। ओ सरदारा इतना तो हम बकरी पैदा होने का ले लेते हैं, यहाँ तो फिर काका पैदा हुआ है। अच्छा ये बात है, ये लो 500 रुपया। लो 500 रुपए दे के पीछे छुड़ा रहा है, इतना बड़ा सरदार और रुपया 500, कम से कम डबल दे के 1000 तो पूरा कर। ओ इतनी 1000 देते टांगे कांप रही हैं, अभी बच्चे ने बड़े होकर लाख हो जाने तेरे। चलो चलो 500 बहुत है भाई। ये कौन है 21 रुपए का शगन डाल के 3 बार प्लेटे साफ कर गया? ओ सरदारा 3000 की तो हमने जुगते सुना दी, तू 1000 देते इतनी हुज्जते कर रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, दे दीजिए 1000 रुपया, ऐसे मेरे भाई की बेइज्जती करवाए जा रहे हो। चलो कौन सा पहली बार हुई है। ये लो जी पकड़ो 1000 रुपया, पीछा छोड़ो। वाह जी वाह, वेल जी वेल, 1000 रुपए दी वेल, मुंडे के सगे बाप की वेल। वेल बढ़ाना, किस्मत लाना, बाकियों को देने की आदत लगाना। और लोगों के पुत्र जमते रहे, नहीं बेशक ना ही जमे। मैंने कहा मरासी रोटी खा के जाना। ओ जी बीबी जी, हम तो खा के जाएंगे, पर वो बाहर दरी पर बिजली महकमे वाले बैठे हैं, रब दा वास्ता दो दो नहीं वाले, उनको भी डाल दो। ओ जेई और लाइन में नीचे बैठे, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया? हमारे लड़कों को अकल ही नहीं है, जेई साहब को नीचे बिठा दिया। जेई साहब आप नीचे बैठे हो, उठिए उठिए, ओ जाओ भाई जल्दी खाना लाओ जेई साहब के वास्ते। माफ करना जी, मैं बिना बुलाए आपकी पार्टी में आ गया। ओ जी ऐसी कोई बात नहीं है, धन्य भाग हमारे, आप हमारे घर आए। दरअसल मुझे पाले वाले से बहुत जरूरी काम है, आप हटो जरा,
जनाब जरा बिजली वालों को कह के मेरी बिजली बहाल करवा दो, मैं तो पतीले में घुसा पड़ा हूँ। चेयरमैन तक भी धक्के खा लिए, पर सभी मुझे कहते भाई तेरा काम सिर्फ पाले वाले साहब ही करवा सकते, जनाब करवा दो मेरा काम। भाई ये पाले वाले के बिजली के महकमे से क्या संबंध है? ओ जनाब पाले वाले की तो बिजली महकमे में चलती बहुत है। अभी जलवा दिखा देते हैं जनाब, ये बिजली वाले खड़े है ना, करो जी इनकी भी थोड़ी सी सिफारिश, करो इनका भी बेड़ा पार। सर हुक्म तो चले, आपका कनेक्शन लगाना बड़ा जरूरी है। ओ डांग साहब तू कहता है हमने हर जगह जगमग कर देनी है, तुमने सरदार का कनेक्शन काटा हुआ है। दरअसल में बात ये है जी कि इनका केस और है, अब आपके कनेक्शन के लिए तो हमें ऊपर से प्रेशर बहुत है जी। शाबाशे शाबाशे, आज तुम पर ऊपर से प्रेशर है तो हमारा मीटर लगा दोगे, कल को प्रेशर फोस हो गया हम किसकी माँ को मर्सी कहेंगे। ओहो सर आपका कनेक्शन काट के हमने मरना है जी। और तुम पहले सुरजीत का कनेक्शन बहाल करो। ठीक है सर। खमाराम बिना ऊपर बताया ना, पहले इनकी बिजली का कनेक्शन चालू कर दे। वाकई सर मुझे लगता है नौकरी बचाने का यही एक तरीका है। ठीक है जी, इनका काम तो हो जाएगा, फिर आपका बिजली का कनेक्शन। पहले जो तुमको काम का है वो काम तो करो, अपने बारे में हम शाम को सोच लेंगे, पीछे हटो। उनको ये देते नहीं है। यार तारी एक बात समझ में नहीं आती, इनके पास गिदड़ सिंह की कौन सी है? बिजली हाँ? क्या हुआ, तू आजकल मुझसे मिलती नहीं, तुम मुझसे नाराज है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चला फिर कहीं बैठ के बातें। नहीं आज नहीं, किसी और दिन, आज मुझे बहुत काम है। ओ बिजली तू यहाँ क्या कर रही है? ओ मैं तो जूती देखने आई थी। पहनने के लिए, मारने के लिए, जो दोनों काम आ जाए। अच्छा यू विल हैव कोल्ड ड्रिंक? मैं भी लस्सी पीकर आई हूँ। तेरे पापा के साथ जमीन की बात बन गई? हाँ मेरी बात हुई थी, वो कहते हैं उनको 2 दिन सोचने का टाइम चाहिए। अच्छा ये कार चलानी मुश्किल होती है? ओ बिल्कुल भी नहीं, अगर साथ मेरे जैसा कोई उस्ताद हो। अच्छा कितनी लड़कियों को सिखा चुके हो? ओ मैंने कोई ड्राइविंग स्कूल खोला हुआ है? अगर नहीं खोला तो फिर खोल लो, क्योंकि तुम्हें मुझे सिखाने के बाद एक्सपीरियंस तो हो ही जाना है। मैंने नहीं जलानी। मेरी तरफ क्या देख रहा है? मैं यही देख रहा हूँ कि रब ने तुझे कितना सुंदर बनाया है। अच्छा तू झूठ भी बोल लेता है? तू शीशा तो देखती होगी, वो तो नहीं झूठ बोलता। तो तुझे मस्का लगाना भी आता है? मुझे तो लगा था तुझे सिर्फ कार चलानी आती है। चल छोड़ और बता अपने बारे में कुछ। पहले तू मुझे ये बता कि तुझे अचानक कार चलाने का शौक कैसे पैदा हो गया? मैंने सोचा जिससे मेरा ब्याह होगा उसकी अपनी कार होगी और मेरी अपनी बढ़िया सी कार होगी, कार जब आएगी तब आएगी, चलानी तो आनी चाहिए। आशु अगर तेरी कोई गर्लफ्रेंड होती और तेरे को मेरे साथ ऐसे देख लेती तो फिर वो क्या करती? वेरी सिंपल, तेरा सर फाड़ देती। Who was that? कौन था वो? Forget it. होगा कोई पागल या कोई आशिक।
जब हमारी शादी हो जाएगी तू मुझे खिलाएगा कैसे? हाथों से। जब मैं तेरे साथ नहीं होती तू मेरे बारे में सोचता है? मैं क्या, सारा पंजाब तुझे रोता है, याद करता है। जब भी यहाँ पावर कट लगता है सारे यही तो कहते हैं, हाय ओ बिजली, ये मार की बिजली है। ओ ये शायर लोग तो आंसुओं में डूबे टूटे आशिक होते हैं। मेरे दिल की रानी तो मेरे पास है। ये पिस्तौल चली नहीं। ये तो पुरानी और खराब पिस्तौल है, ये तो पाले बाले को किसी जमींदार ने इनाम में दी थी, ये चलती थोड़ी ना है। पर आवाज तो आई थी। ले, वो तो बाहर ट्रांसफार्मर में पटाखा पड़ा था। जहाँ पटाखा पड़ना चाहिए था वहाँ तो पड़ा नहीं। बेटा तो ठीक तो है, लस्सी शस्सी कुछ लाओ तेरे लिए। नहीं ताई, मुझे ना भूख है और ना प्यास। सर आ जाऊं? हाँ आ जाओ। सर मिठाई। थैंक यू वेरी मच सर। सर मेरी फैक्ट्री की बिजली बहाल हो गई। मैंने एक्शन को कह दिया था, चल अच्छा हुआ तेरा काम हो गया। सर एक्सियन तो बड़ा कुत्ता बंदा है। पता नहीं सीएम के गांव का, जो उसे कोई हिला ही नहीं सकता। ये तो मैंने पाले वाले से कहा तब जाके मेरा काम हुआ है। पाले भले, उन मरासियों के कहने से तेरा काम हुआ? हाँ। उनका क्या तालुक है हमारे महकमे से भाई है? लो सर, ये क्या कह रहे हो? उनके कहने पर तो जेई और लाइनमैन सारे काम छोड़ के भाग खड़े होते हैं। अच्छा ठीक है, आप जाओ और ये मिठाई भी अपने साथ ही ले जाओ। सर मिठाई तो शगन है, रख ले। शगन अब आप जाके पाले बाले के साथ ही करो, ठीक है? आउट। पता नहीं पतीले में घुस गया हूं या निकल गया हूं, समझ नहीं लग रहा कुछ। हेलो। हाँ जी साहब बहादुर जी। ये सुरजीत थाली वाले का कनेक्शन किसके कहने पर रिज्यूम किया गया भाई? सर मेरे हिसाब से उसका कनेक्शन कटा हुआ है जी। अच्छा, वो अभी मिठाई लेके आया था मेरे लिए, अपने कनेक्शन के बहाल होने की खुशी में। ओ सर, कई इंडस्ट्री वाले ऐसे होते हैं अगर उनकी बिजली काट दो वो पागल हो जाते हैं। अच्छा वो पाले बाले का क्या हाल है भाई? सर उनका क्या हाल होना है जी, बिना बिजली के उनके घर वाले खुदकुशी करने की सोचते होंगे जी। बाबा फ्लैगशिप, हैव यू एनी वूल? यस सर थ्री बैग फूल। हे मैन, व्हाट आर यू डूइंग हियर? इंतजार मौदा। ओ महाराज, गाड़ी के नीचे मरना चाहते हो तो भूल जाओ, गाड़ी तो पिछले गाँव में ही पलट गई थी। अच्छा। हाँ, हे बाबा बैगशिप, हैव यू एनी वूल? यस सर थ्री बैग फूल। मेरी जिंद गई की करा, मैं मुक गया, मैं टूट गया, गल खिंड गई की करा। की ये मेरा हाल होया, की ये मेरे नाल होया, ये जग जानदा नहीं, मेरा दिल जानदा नहीं, जा मेरा रब जानदा नहीं, मेरा दिल जानदा नहीं।
तेरे संग हुण इश्क दे रंग कोई होर मानदा नी होए मेरा दिल जानदा नी मेरा दिल जानदा नी जा मेरा रब जानदा नी ओ वाह 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 क्या बात है सुभान अल्लाह क्या आवाज है भाई बैजा बैजा हो जाएगी मुझे अकेला छोड़ दो ओ भाई तू अकेले छोड़ने वाली चीज नहीं है सिट डाउन हो जाएगी दुनिया तेरे पीछे भागेगी मैं कौन सा किसी की जेब काट के भाग रहा हूँ ओ जेबें तो लोगों की कट जाएंगी जब तेरा कॉन्सर्ट सुनने के लिए धक्का मुक्की होगी देख मैं एक मशहूर एल्बम म्यूजिक डायरेक्टर हूँ हमारी अपनी एक म्यूजिक कंपनी है बैजा बैजा हैं तेरी आवाज छिपने वाली नहीं है काके तू ऐसे कर मेरा कार्ड रख मैंने क्या करना इस कागज के टुकड़े का लगता है इसका दिल ताजा ताजा ही टूटा है सर जी टूटे दिल को एक्सप्लॉइट करो हमें पता है कि तेरा दिल किसी बेवफा लड़की ने तोड़ा है इस दुनिया में हजारों लड़कियां पैसे के लिए लड़कों के दिल तोड़ देती हैं उन लड़कों के लिए तू अगर एक गीत गाएगा तो उनके दिल को कितना सुकून मिलेगा है ना टूट गया चलो दिल ही सी तोड़या क्यों दसता सही तोड़या क्यों दसता सही जदों सी तू नाल साडे सांझे सी ख्याल हुण क्यों पछाणदा नहीं ओ मेरा दिल जानदा नहीं रब जानदा नी होए मेरा दिल जानदा नी जा मेरा रब जानदा नी अरे पाले ये क्या ठक ठक हो रहे है कि हमारे घर में कोई चोर तो नहीं और सो ही रहा आपे थाका और के चले जाएंगे मुझे लगता है चोर ही है लगता है बाहर के गांव के हैं हमारे गांव वालों को तो सबको पता है कि यहाँ सफा चाट है यहाँ उन्हें क्या मिलना अगर उन्हें हमसे कुछ नहीं मिलना हमें तो उनसे कुछ मिल सकता है ना वो साथ में जलेबियाँ लेके घूम रहे हैं वो तो बातें ही करता रहेगा यहाँ उन्हें जाके पकड़ेगा भी अच्छा पकड़ा मेरा वो चमोटा जरा तू वहाँ चोर पकड़ने जा रहा है कि शादी पे प्रोग्राम करने जा रहा है ऐसे बक बक करके उठा दिया मुझे चले यार कौन से चोर है ध्यान से आवाज नहीं आनी चाहिए किसी को पता चोर 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 ठहरो ठहरो ओ मुझे शक्ल तो देख लेने दो कहीं मेरे मायके से तो नहीं ओ भाभी ये बंदर तेरे मायके का ही लगता है मायके का ही लगता नहीं हम चोर नहीं जी हम तो बिजली वाले हैं बिजली वाले हो फिर आधी रात को हमारे घर में सेंध का लगा रहे हो हम तो बाहर से तार डाल के अंदर मीटर लगाने आए थे हमें ऊपर से हुक्म हुआ है कि सुबह आने से पहले पहले मीटर लगना चाहिए जी साले ऊपर से क्या धर्मराज ने हुक्म किया धर्मराज ने हुक्म किया नलायक एक्सीडेंट तो खरा है जी चलो यार पल्ले पल्ले की बड़ी पहुंच है हाँ यार ये तो मैंने पहली बार देखा है कि बिजली वाले आधी रात को किसी के घर में कनेक्शन लगाने आए हैं कभी देखा है ऐसा आपकी बहुत मेहरबानी है जी इतने बिजी शेड्यूल में से आप टाइम निकाल के आए हो जी मुझे तो हर रोज यही सपना आता है कि हम इलेक्शन पावर शॉर्टेज की वजह से हार गए सर एक होम्योपैथी की मेडिसिन होती है एकोनाइड सोने से पहले एक डोज लिया कीजिए मन पर कोई भार नहीं रहेगा सर वो तुम मेंबर जनरेशन हो या होम्योपैथी के डॉक्टर हो ये ठीक कह रहे हैं सर एक्चुअली जब सीएम साहब ने किसानों के लिए मुफ्त बिजली अनाउंस की थी ना जी वो भी एकोनाइट के डोज लेके सोया करते थे और सारे कई स्टेटों के मुख्यमंत्री तो इस तरह की सब्सिडी अनाउंस करके अफीम का गोला खा के सो जाते हैं ओए तुम ऐसे डॉक्टरी नुस्खे ना बताओ मुझे मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि हम किस तरह पंजाब में बिजली की कमी पूरी कर सके सर सोलर पावर एक ऑप्शन है ओए देखा है धूप में सारे बाल गए ये देखो सर मेरे भी ऐसे ही गए हैं बिल्कुल सर ठीक कह रहे हैं सर विंड मिल्स भी लगाई जा सकती हैं वो विंड मिल चलाओगे किसके साथ पंखा घुमा घुमा के बातें करते मेरे हिसाब से मोटे मुर्गे फंसाने पड़ेंगे जी
मतलब स्टेट में पावर प्लांट खोलने के लिए ना मोटी असामियों को न्योता देना पड़ेगा जी। मुझे लगता है एटॉमिक पावर प्लांट के बिना हमारा गुजारा नहीं है और हमें एटॉमिक पावर प्लांट की मांग करनी चाहिए। किस मुंह से? नहीं, मेरा मतलब है कि न्यूक्लियर डील को सबसे ज्यादा आपकी पार्टी ने अपोज किया था ना जी। ओए, तुम यहाँ खुद शर्मिंदा होने के लिए आए हो या मुझे शर्मिंदा करने के लिए बैठे हो यहाँ पे? सॉरी सर। हल मैं बताता हूँ, तुम ऐसा करो कि जब तक पावर का परमानेंट हल नहीं निकलता, अखबारों में एक बड़ा सा इश्तिहार दो, मेरी फोटो दो और साथ में सीएम साहब की फोटो दो और लिखो कि 5 सालों के अंदर अंदर हम बिजली की सारी कमी पूरी कर देंगे। वाह, वेरी गुड जी। वाह सर, क्या आइडिया है। वाह वाह। डैड यही घर है उनका, आप चलकर अंदर बात करो, मुझे जरा एक जरूरी काम है। पुत्र, तेरे बारे में तो गल करने आए हैं, तू कहाँ जा रहा है? मैं समझा करो, शर्म आ रही है इसे। मैं जरा आया, अभी आया। ओके, चलो जी, मारो जी बैल। रमे को है भी है, ऐसे छोड़ गया हमें। बहू, तू मुझे नहर में फेंक के मारना चाहता है? अजी, हम कौन होते हैं आपको मारने वाले, हम तो खुद आप पर मरे हुए हैं। तू इतनी लेट क्यों आया है? बिजली, मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देना था। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ये तो तुम्हें घर जाके पता चलेगा। वाह जी वाह, ये तो कमाल ही हो गया। हमारे भाग भी कितने अच्छे हैं, घर बैठे बिठाए इतना बढ़िया रिश्ता मिल गया। देखो जी, कई रिश्ते तो ऊपर से ही बन के आते हैं, कुछ बच्चे आप बना लेते हैं। चलो जी, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, आप तो बस मुंह मिट्टा करो जी। हाँ जी, हाँ जी। शुक्रिया जी। वैसे बिजली कब आएगी? बिजली का क्या है जी, आ जाए तो चाहे अभी आ जाए, ना आए तो सारी रात ही ना आए। ए जी, बत्ती की बात कर रहे हैं जी, अपनी बेटी की नहीं। हाँ जी, बत्ती की, बत्ती की, बत्ती। बिजली, एक सरप्राइज तो तुम्हें घर जाके मिलेगा और दूसरा सरप्राइज मैं अभी दे देता हूँ, मेरी प्रमोशन हो गई है और मेरी जो कंपनी है वो मेरा डिपार्टमेंट भी चेंज कर रही है और अब वो यहाँ एक पावर प्लांट लगा रहे हैं जिसका मैं चीफ कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तुम मेरी बात सुन रही हो? हाँ मैं सुन रही हूँ। अच्छा, तो मैंने क्या कहा? तूने यही कहा ना कि तू सस्पेंड हो गया है? काटो ये। देखिए। और ठहरो ठहरो ठहरो, किससे पूछ के काटा है कनेक्शन? आपने किससे पूछ के लिया कनेक्शन? जेई साहब ने अपने हाथों से लगाया है और इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने अपने हाथों से काट दिया। ये इलीगल कनेक्शन है, मुझे समझ नहीं आती एसटीओ साहब ने अपने आप कैसे कनेक्शन बहाल कर दिया। अपने आप नहीं, बहुत बड़ी सिफारिश से लगा है ये कनेक्शन। मैं कहता हूँ पतीले में घुस जाओगे आप, ये कनेक्शन काट के सस्पेंड ना हो जाना कहीं। अच्छा, किसकी सिफारिश है? बहुत ही मशहूर भांड पाले पाले की सिफारिश से लगा ये। पागल। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पागल तो तू लगता है जिसे सस्पेंड होने का डर नहीं। अंदर जावा। बिजली बेटा, आज का दिन तो बहुत बढ़िया चढ़ा है, हमने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। रिश्ता पक्का कर दिया? मुझसे बिना पूछे? अगर तू बताएगी नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम तेरे दिल की बात समझते नहीं। क्या मतलब? उसके मम्मी पापा आप आए थे तेरा हाथ मांगने, इतना बड़ा खानदान, इतना बढ़िया लड़का, हमने तो बस हाँ कर दी। कौन सा लड़का? जिसे तू चाहती है, आशु। हम ये बताते हुए बड़ा फक्र महसूस कर रहे हैं कि करंट कैमपुरी जी की नई एल्बम दिल रोपिया, जिसकी 1 महीने में ही 5 लाख सीडीज बिक चुकी हैं, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस खुशी में हम करंट कैमपुरी जी को
टक टका टक टिका कर एक नई गाड़ी टकेरो इनाम में देते हैं। इन्होंने बैजा बैजा करवा दी, सिग्नम सिग्नम करवा दी। मेरा ख्याल है कि हमारे मार्केटिंग मैनेजर साहब भी दो बातें कहने के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं। थैंक्स। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कयामपुरी जी के गीतों में इतना दर्द छिपा है कि इन्हीं का एक गीत दिल रोपिया सुनकर हमारे मालिक की लड़की अपने अरबपति मंगेतर को छोड़कर इनके ही अपने ड्राइवर के साथ भाग गई। ये सब बताने की क्या जरूरत थी? अब मैं कयामपुरी जी को गुजारिश करूंगा कि वो अपनी एल्बम का सुपरहिट गीत उसकी दो लाइनें गाकर सुनाए। कयामपुरी जी की हो गया दिल रोपिया। ये गाना उन सभी लड़कियों के लिए है जिन्होंने जाने अनजाने ही सही पर किसी सच्चे आशिक का दिल तोड़ा है। भाई क्या कहने देसी शराब के, दो घूंट पीकर ना चुड़ैले भी परियां लगने लगती हैं। वो क्या बकवास कर रहा है पाले, मैं तुझे चुड़ैल लग रही हूँ? ना ना, अब तो दो घूंट पी रखे हैं, अब तो तू परियों से भी बढ़िया लग रही है। टिचरे ना कर, पता जब मैं 18 साल की थी तो गांव के सारे लड़के मुझे कहते थे, प्रीतो तेरी आंखें हेमा मालिनी से मिलती हैं। बकवास करते थे भाई, उस वक्त तेरी आंखें आपस में नहीं मिलती थी हेमा मालिनी से, खाक मिलनी है। ओ, तुम बंदे हो के जानवर, बिना दरवाजा खटखटाए अंदर चले आ रहे हो। पैन जी, हम तो ये चाहते हैं कि आपके घर में बिजली लगी हो जी, घंटी लगी हो और दरवाजा खटखटाने की हमें जरूरत ही न पड़े। नहीं, ये कौन है? ये MLA साहब है जी। कहाँ के? नहीं है तो कहेंगे नहीं, पर जीतना इन्होंने था जी, बस विरोधी पार्टी वाले थोड़ा धोखा करके जी। वो कैसे? वो ऐदा जी, इस बार जीतने की बारी तो थी हमारी, फिर पर विरोधी पार्टी वालों ने हमारी बारी नहीं दिलवाई। ये हमारी सिफारिश करने आए हैं, बस आप हमें पाले बाले से मिलवा दो। ओ, पाले बाले ने नहीं मिलना। वो क्यों जी? बाले की तो पाकिस्तान से मरासम सहेली आई हुई है, वो तो उसको पहाड़ों में घुमाने लेके गया है। तो पाला जी को तो मिलने? पाला तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकता, उसका तो 7 बजे टाइम हो जाता है, घंटियाँ बजने लगती है, ग्लासियाँ खड़कने लग पड़ती है। लो देख लो, है भाड़ लेकिन शौक सारे राजाओं महाराजाओं वाले। क्या कह रहे हैं? नहीं जी, मैं थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा था इन पर। भाई जी, दरबार में आए गए हो तो काम बताओ क्या? काम तो इतना ही है जी, अगर आप घर में बिजली लगवा लो अपने तो बेचारे की नौकरी बच जाए। वो कैसा बंदा साथ ले आया होए, और जो इलेक्शनों में अपनी सीट नहीं बचा सका वो तेरी नौकरी खाक बचाएगा। कहाँ यार, बेइज्जती कराने ले आया तू? ओ सर शुक्र करो अभी आप हारे हुए हो, अगर जीते होते तो बेइज्जती और ज्यादा महसूस होनी थी। आओ चले। ओ गल सुनो ओए, ओए सत श्री अकाल तो बुलाते जाओ। लो, हारे हुए लीडर को सिफारिश पर लाना नहीं चाहिए। वाह वाह कयामपुरी जी, मजा आ गया, क्या टेक दिया है आपने, बैजा बैजा करवा दी। वाह वाह, क्या गीत गाया है। आप तो बाहर बैठे हो, आपको खाक पता है? ये जूता फंस क्यों नहीं रहा? ये जूते मेरे हैं। ओ सॉरी 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 सर, ये लो। वाह वाह कयामपुरी जी, बैजा बैजा करवा दिया आपने। वाह 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 करंट कयामपुरी जी, नाचीज को पम्मी पुर्जा कहते हैं। अरे आपको कौन नहीं जानता। जी बस, सबसे पहले तो आपको आपकी एल्बम की सक्सेस के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अभी अभी कनाडा के टूर से वापस आई हूँ, मानना पड़ेगा आपकी एल्बम ने तो वहाँ भी धूम मचाई हुई है। पुर्जा जी, आपके जैसे मशहूर सिंगर के मुँह से तारीफ के दो लफ्ज मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। सच कहूँ तो जब मैंने कनाडा में पहली बार आपका गाना सुना था ना, दिल रोपिया, मैंने तो तभी डिसाइड कर लिया था कि इंडिया वापिस आते ही सबसे पहले मैं इनको मिलूंगी। ये तो मेरी खुशनसीबी है, पर अभी मुझे माफ करना, मेरी कंपनी वालों के साथ जरा मीटिंग है, हम लोग फिर कभी मिलते हैं। या श्योर, कैरी ऑन। एक्सक्यूज सर जी, मेरी एक हाई बजट की हिंदी फिल्म है, उसमें एक लो बजट का पंजाबी गाना गा दीजिए। अब ये क्या बात बनी? देखिए सर, अब इनकी डेट्स हमारी कंपनी के पास है, अब ये आपके लिए गाना नहीं गा सकते, सॉरी। बेटा मैं नोटों का बैग लाया हूँ। आप ऐसा करो, ये नोटों का बैग ले जाकर किसी और सिंगर को दो, सॉरी। सर जी मेरी बात तो सुनो। हेलो, फोन मेरा है। हेलो, हाँ जी भाई साहब नमस्कार। सत श्री अकाल जी। भाई साहब खंबा बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, कौन से खंबे से बोल रहे हो? सर कौन सा खंबा नहीं जी, मैं लाइनमैन खंबा राम बोल रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और बहुत बहुत मुबारक जी आपको आपकी एल्बम हिट होने की। थैंक यू पाजी, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये एक मिनट जी सर से बात कीजिए। हेलो,
अब तो आप इंटरनेशनल स्टार बन गए हो हैं? इतने बड़े सिंगर के घर पे बिजली ना हो अच्छा नहीं लगता। हम मेरी बात मानो ना तो बिजली का कनेक्शन लगवा ही लो। हाँ चलो लगा दो, मैं बापू और ताए से बात कर लूंगा, कोई नहीं। क्या क्या मर गए मर गए ये जल्दी करो ज्यादा ना बदले। ऑटोग्राफ देते हुए अपने फैंस का चेहरा तो देख लिया करो। यहाँ माफ करना मैंने तुझे देखा नहीं। एक्सक्यूज मी करण तुझे तेरी एल्बम की सक्सेस की लाख लाख बधाई। दिल रो पाया, इतना इतना बढ़िया नाम तुझे सूझा कैसे? वैसे तो जब दिल रोता है ना बिजली, सूझता तो कुछ भी नहीं, पर अनजाने में दिल के वलवले जुबां पर आ ही जाते। खैर तू मेरी छोड़, तू अपनी सुना, तेरे उस अमीर दोस्त का क्या हाल है? मेरे पेरेंट्स उसके साथ मेरा ब्याह कराना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुझे भी मुबारक। पर करण तुझे पता है कि मैंने तुझे दिल से प्यार किया है। क्या प्यार? प्यार? तू हंस रहा है? मैं आंसुओं के सैलाब में इस कदर डूब गया था बिजली के, आज मुद्दत बाद हंसाऊं। करण हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम सारी लड़कियां ना एक जैसी होती हो, जहाँ पैसा मिला बस उसके पीछे। तू मुझे गलत समझ रहा है। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ रहा हूँ। तूने मुझे धोखा दिया, चल ठीक है, पर अपने उस अमीर दोस्त को तो धोखा मत दे। जो अस दी गल सी अज होए बेगाने जेड़े अपने गल सी Oh,
गल सी अज हुए बेगाने जेड़े अपने कल सी। लो जी बालाजी, आपको बहुत बहुत मुबारकें, मीटर हमने आपका लगा दिया। ओ अच्छी तरह चेक कर भी लिया, मीटर चलता भी है कि नहीं? चलेगा, अगर कोई पत्ती पंखा चले तो। और ना हमारे घर में कोई पंखा है ना बल्ब है, चलना क्या इसने माँ का सिर है, निकाल के ले जाओ जी अपना मीटर। नाना जी ना, आप फिक्र ना करो, ट्यूबे पंखे हम ले आते हैं। नहीं नहीं, सोना पंखे के नीचे, मुझे तो एसी चाहिए। माफ करना जी, मैंने तो सुना था कि मरासियों को ठंड बहुत लगती है। और तुझे क्या होए, हम एसी की उल्टी तरफ खाद डाल लिया करेंगे, जिस तरफ वो गर्मी छोड़ता है। सर जहाँ इतनी बातें मानी है, एसी का भी कड़वा घूंट भर ही लो। कड़वे घूंट से याद आया, जे कड़वा घूंट भर नहीं जा रहा है तो एक बोतल ही पकड़ लाना, रात को लाइटों की खुशी मना लेंगे। शगन वाली घड़ी है, एक अच्छी बोतल लेके आना और साथ में मुर्गा जरूर लेके आना भाई। इसका मतलब है कि आज रोटी शोटी ना पकाऊं? देखना कहीं रोटियों पे मक्खन ही ना लगवा लाना। आधा किलो की वैसे ही टिक्की पकड़ लाना, आप ही लगाते रहेंगे। सर इनकी तो लिस्ट लंबी होती जा रही है, मैं तो कहता हूँ हाथ मिलाओ और निकले। हाँ भाई, क्या प्रोग्रेस है? मीटर लगा दिया साहब जी, और कागजों में भी दिखा दिया है कि मीटर पिछले 2 सालों से लगा हुआ है। ओए, 2 साल का बिल कहाँ से दिखाओगे? सर जब 2 दिन के बाद हम बिजली काटेंगे, और साथ ही हमने ये भी पेनल्टी डाल देनी है कि इन्होंने 2 साल का बिल ही नहीं भरा। हाँ, जब आया ना उन पहाड़ के नीचे तो अपने आप एसी पंखे और मुर्गों का खर्चा निकल आएगा। भाई कौन से ऊँट और मुर्गे? साहब जी ना ही पूछो, अच्छा है, शर्मिंदे होंगे आप। तू क्यों हंस रहा है? सर वैसे अंदर से चमचागिरी निकल आई थी जी। Shut up. Thank you, sir. Gaad jo bhai. Thank you, sir. Sir, this is the proposal. Good proposal. Thank you, sir. Na par hai kis cheez ka? Sir, hamari company Ropad mein ek 50 megawatt ka power plant lagana chahti hai. Lagao ji, zarur lagao. Proposal bhi acha hai aapka. Badi khushi se lagao. Sir, acha to tab hoga jab aap ise approve karenge. Approve to main kar dunga, par ek shart hai. आप ना मेरे सन इन लॉ को इसमें अपना पार्टनर ले लो। सर आपके सन इन लॉ को कोई पावर प्लांट का तजुर्बा? उसको तजुर्बा है या नहीं है, पर मुझे लगता है तुम्हें काम करवाने का कोई तजुर्बा नहीं है। नहीं नहीं सर, वैसे इट्स अ गुड सजेशन, बट मुझे फिर भी एक बार अपनी मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी। हाँ तो जाओ करो मैनेजमेंट से बात, फिर आओ मेरे पास। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी बोलो। लो जी मीटर दिया है आपका कार्ड, ये आपका 2 साल का बिजली का बिल 80,000। अगर आप बिल भरेंगे तो कनेक्शन दोबारा लगेगा, अगर नहीं भरेंगे तो जुर्माना देना पड़ेगा, अगर फिर भी नहीं भरेंगे तो मैडम जी आप अंदर भी हो सकते हो। 2 दिन हुए तो मैं मीटर लगाए, 2 सालों का बिल कहाँ से आ गया? ये तो अब ऑफिस जाके ही पता लगेगा। कोई नहीं, लगो जाके लाइन में। चले सर। जाना पड़ेगा, इन्होंने कौन सा मीटर काटने के खीर पूरे खिलाने। सर जी ये आशु जी हैं। सर। हाँ जी बताइए। सर वी आर इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप अ 50 megawatt पावर प्लांट इन द स्टेट। सर भाई काका, हिंदी में तेरा हाथ तंग है? सर क्या मतलब? मतलब है काका जी, मंत्री जी का अंग्रेजी में हाथ तंग है। मंत्री जी का मतलब है हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी में बात करो। सर हम ना इस सूबे में 50 megawatt का पावर प्लांट लगाना चाहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, पंजाब को पावर की बड़ी जरूरत है। सर यही प्रपोजल मैंने चेयरमैन सर को भी दी थी, ये उनको भी बहुत पसंद आई, बट उनका कहना था कि उनके सन इन लॉ को इसमें पार्टनर बना लो। उन्हें जो कहने दो कहते हैं, हम हाथों हाथ तुम्हारी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करा देंगे। तुमको, हमको, सब लोगों को पावर की बड़ी सख्त जरूरत है। बिल्कुल सर, यही बात कही अफसर, समझते नहीं? वो सब समझ जाएंगे, वो बस तुम मेरा हिस्सा रख लेना। हिस्सा? मेरे ब्रदर इन लॉ को अपना पार्टनर बना लेना। सर इट्स अ गुड सजेशन, बट मुझे फिर भी एक बारी मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी। वो ऐसी बातें पहले करके आया करो ना, या ऐसे बंदों को साथ लाया करो जिनको फैसला कर रहा हो, और तभी तो हमारे मुल्क में सारे प्रोजेक्ट लेट हो जाते हैं। क्यों जी? बिल्कुल जी। ठीक है सर, थैंक यू। सर रिपोर्ट आ गई, आपके इलाके में हर घर में बिजली का कनेक्शन है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पर सर वो जो कैमपुर में मिरासियों का घर है ना, उन्होंने बिजली का कनेक्शन नहीं लगवाया।
ये वही मरासी है ना जिनके लड़के करंट कायमपुरिया की आजकल बड़ी गुड्डी चढ़ी हुई है। ये वही है सर, वही है। तो एक घर के लिए हम इलेक्शन में दावा करने लायक नहीं रहेंगे कि हमारे इलाके में कोई भी घर बिजली के बगैर नहीं है। पर सर सुनने में ये आया है भाई किसी तरीके से ना मन मना के इन्होंने बिजली का कनेक्शन लगवा लिया था, पर पता नहीं चेयरमैन साहब ने क्यों कटवा दिया। और चेयरमैन को मेरी तरफ से कहो कि इतने बड़े सिंगर की बिजली कटा देना वैसे ही हमारे महकमे की बहुत बड़ी बेइज्जती है। हाँ बिल्कुल, मैं अभी कह देता हूँ सर। ओके सर। चेयरमैन अपनी टांग खामखा अड़ाता रहता है। एक मिनट। लो सर। ये लो। थैंक यू सर। सर जब से आप चेयरमैन बने हैं ना पूरे पंजाब में जगमग 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 हुई पड़ी है जी। कहीं दिख तो नहीं रही? मुझे चमचागिरी पसंद है पर इतनी नहीं। वो अपने महकमे का क्या हाल है मुझे अच्छी तरह पता है। काम की बात करो। सर आपके हुक्म मुताबिक मरासियों का कनेक्शन भी काट दिया और उन पर ठोक के जुर्माना भी लगा दिया। बड़ा ही बेवकूफ है। सर वो तो मरासी है ही बड़े बेवकूफ। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ये क्या बेवकूफों वाला काम किया आपने? वो मंत्री जी का हुक्म है कि रातों रात उनको बिजली दी जाए, ये क्या कर रहे हो आप? मैं चला जी। कहाँ? पागल खाने है? बिजली लगवाने है? आपने चलना है? चेयरमैन साहब मेरे भी बिजली लगा दो। ये गया ना लगवाने, आप भी साथ चले जाओ। सर मैं अपनी फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं तो घुस गया ना पतीले में। तेरी फैक्ट्री में ये घंटी भी साथ ले गया, बजाऊं क्या? अभी पाला से सरकार के दरबार में तुम्हारी इतनी चलती है यार, वो गांव का कोई फायदा करा दो। मंत्री जी से कह के गांव की सड़क ही चौड़ी करवा दो यार। सरपंच, वो तू सड़क चौड़ी करवाने की जगह अपनी बीवी को नहीं पतली करवा लेता यार। वो सड़क वैसे चलती है जैसे भूसे वाली ट्रॉली। ओ भास्कर यार, क्यों सरपंच को शर्मिंदा किया जा रहा है? फिर सरपंचनी का भूसे वाली ट्रॉली से क्या मुकाबला? कसम से भूसे वाली ट्रॉली तो सोनी इतनी होती है, हर ऐरा गेरा हाथ जोड़ के मांगता हे भगवान अगर ट्रॉली पलटे तो हमारी तरफ ही पलटे। और ये सरपंच साहब का नहीं सारे गांव का मसला है कि सड़क चौड़ी होनी चाहिए, और सड़क चौड़ी तभी होगी जब आप लोग मंत्री साहब को कहोगे। सुनो भाई पाल ले, अगर हमारे कहने से गांव का कुछ समरता है तो हमारा क्या घिसता है? चलो कह देते हैं, चलें। चलिए ये तो वेले हैं। हमारी तरफ से पाला बालाजी को धन्यवाद कहना, उनकी सिफारिश से हमारी बच्ची की एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में हुई है। बहुत बहुत थैंक यू जी, वेरी मच। ये आपने बड़ा अच्छा किया जो डब्बा ले आए। वैसे आप कुछ दूध शुद्ध पीते, लेकिन हमारी गाय आज जरा पिकनिक गई हुई है। फिर किसी दिन जी। चलो बेटा। कमाल, आप लोगों के घर तो जो भी आता है पाले बाले के कहने से उसका काम हो जाता है। रानो अब मैं आम लेडी थोड़ी ना, मैं तो हो गई अब VIPN। VIPN? अरे जब पाला VIP तो मैं अपने आप VIP हुई ना। आप लोगों की तो ना पावर ही बहुत है। रानो मेरा दिल पता क्या हा? करता, मेरा दिल करता कि घर के बाहर बड़ा बड़ा लिखा दूं पावर हाउस, और मैं घर में छम 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 घूमती फिर जैसे किसी मंत्री की मोटी। आओ जी सोने हो, बैठो जी। बिजली जब तुम मेरे पास नहीं होती मेरे दिल में टोटल अंधेरा होता। अशोक तूने मुझसे बिना पूछे अपने पेरेंट्स को मेरे घर क्यों भेजा? भाई मैंने कोई गैर कानूनी काम थोड़ी ना किया, मेरे पेरेंट्स ने बड़ी इज्जत से तेरा रिश्ता मांगा और तेरे पेरेंट्स मान भी गए, और तुम भी तो ये चाहती थी। तुझे किसने कहा कि मैं ये चाहती थी? तू मजाक कर रही है? आर यू किडिंग मी? वो बात नहीं अशोक, मैं तुझे नहीं बता सकती बात क्या है। मतलब तू मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी? ये सब कुछ बहुत गलत हो गया। देख बिजली, मैंने तुझे बड़े सच्चे दिल से प्यार किया है, और तुझे पाने के लिए मैं आखिरी दम तक पूरी कोशिश करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। पीछे नहर है। यस सर। अरे भाई चीफ इंजीनियर मिस्टर जैन ने 10:30 बजे आना था, अब तक नहीं आए। हाँ सर, उनका मैसेज आ गया था कि वो 1 घंटा लेट आएंगे। क्यों? सर पावर हाउस गए हैं ना माथा टेकने। पावर हाउस? कौन सा पावर हाउस? सर आपको नहीं पता? नहीं सर, वो पाले बाले ने अपने घर का नाम पावर हाउस रख लिया है। दूर दूर से आते हैं लोग वहाँ सर अपने काम करवाने, पाले बाले के घर।
पाले बाले के घर। यार पाले बाले की खासियत ये है, वो काम तो सबका करवा देते हैं चाहे पैसे लेकर। और यार पैसे कौन सा उन्होंने आप रखने होते हैं, ऊपर ही देने होते हैं, बस फर्क इतना है कि बेइज्जती खुद कर देते हैं। सब लाइन में आई है। ओ पीछे हटो पीछे लगी है। ओ सस्त्रीकाल मैडम, ओ ठहरो मैडम, मैं चीफ इंजीनियर हूँ। वो तो चीफ इंजीनियर होगा अपने घर, हमारे आगे पीछे तो जय ही घूमते हैं, तो चीज ही क्या है। अब मैडम चीफ इंजीनियर जय से बड़ा होता है। अब तो लाइनमैन से भी बड़ा हो गया। मैडम मैं आपको क्या समझाऊं, आप एक बात बताओ, पाला बालाजी अंदर है? मैं फिटे मूं, तू अंदर, तेरा खानदान अंदर। अब मैडम मेरा मतलब है कि वो घर के अंदर है, वो सीएम की कोठी गए हुए हैं, तो 11:30 बजे पता कर लेना। हटो मैडम जी, मेरा केस। और तेरे सूट केस? वो तो जी गाड़ी में है। गाड़ी में अंडे दे रहा है, सूट केस बगैर न तेरी वैल्यू है न तेरे केस की। जा बाबा जी आपका केस बड़ा लगता है, आप ही पकड़ाओ, आप ही दो जी बैग। ये सीएम साहब की अपनी कोठी है या मारी हुई है इन्होंने? मुझे लगता है तेरी अकल मारी हुई है। ओ हटो ए, उठो ए, सीएम साहब आ गए। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ओ आ गए मोतियां वाले, आ गए कोठियां वाले। ओ झंडी वाली गाड़ियां भागती रहे, कैसे सिक्योरिटी बनी रहे। ओए ओ कोठियां सलामत रहे। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सीएम साहब, हां जी, ये पाला और बाला है, मैंने जिक्र किया था ना आपसे, इन्होंने अपने घर का नाम भी पावर हाउस रखा हुआ है। ये पावर हाउस वाला आइडिया बहुत बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ चोपड़ा साहब, हमें ना पंजाब के हर जिले और हर कस्बे में इस तरह के छोटे छोटे पावर हाउस बना लेने चाहिए। इस तरह पाले और बाले जैसे बंदे हमें पावर दिलाते रहेंगे, समझ गए ना? इनका मतलब है हमें वोटे दिलवाएंगे। भाई पाले, हम कैसे वोटे दिलवाएंगे? ओ सरदारा, तू हमसे कहीं बूथों पे कब्जा करवाने की तो नहीं सोचे जा रहा? रब झूठ ही बुलाए, हमसे कॉलोनियों में घर घर जाके शराब की बोतलें नहीं बांटी जाएंगी। भाई बांटेंगी तो तब जब बचेंगी ना। शराब देख के तो हमारे घुटनों तक वैसे ही लार टपकती है। सीएम साहब का मतलब है हम आपके कहने पर आपके इलाके के हर आदमी का काम करवाते जाएंगे, बस तुम्हारा काम इतना ही है कि हमारी पार्टी के गुण गाए जाओ और विरोधी पार्टी की बजाए जाओ। वजीरा, विरोधियों की बेइज्जती वाला काम हमसे नहीं होगा। 100 अवधि कल को उनकी सरकार आ गई तो हम किसकी माँ को मासी कहेंगे? और आपने तो बारियां बांटी हुई हैं, एक बार आप आ जाते हो, एक बार वो आ जाते हैं। बाकी जो काम करते हैं वो तो 10 साल के लिए भी टिक जाते हैं, और जो आप टिक गए तो हम जैसे चमचे तो अपने आप ही टिक गए ना। मैंने सुना है तुम्हारा काका क्यामपुरी काफी मशहूर हो गया है, उसको कहो कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले, राज गायक बना देंगे। रहने दे सरदारा, कहीं गाने थे में न जाता रहे। बस करो, इतना सच भी नहीं बोलते। और सेवा बताओ कोई। अब मोतियों वालों एक गुजारिश है, हमारे घर से अपने सूटकेस जल्दी उठा लिया करो, हम गरीबों को रात को खटिया डाल के सोना भी होता है। बस करो ए, और छत पे सो जाया करेंगे। अच्छा आप लोग चलो, बाकी लोगों को भी मिलना है। ओ आजी वाह, कर देठा, बरकतें बनी रहे। ओ झंडी वाली गाड़ियां भागती रहे, जेट सिक्योरिटी बनी रहे। ओए अरे हे के करके पराठा लाती, तुम तो बस काम ही चलाती हो। पर लाती तो प्यार से हूं ना। बिजली बेटा, लड़के वालों ने ब्याह की तारीख पक्की कर ली है, तू बता हम रॉयल पैलेस करें या नीलकमल? मम्मा मैंने इतनी जल्दी ब्याह नहीं कराना। ना बेटा, ऐसे कामों में देर नहीं करते, 100 टांग अड़ाने वाले होते हैं। मम्मा आप एक बार मेरी मर्जी पूछोगे भी नहीं? बिजली, हमें पता है तुम्हारी बेहतरी किस में है, पर इतने अच्छे रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते। यार बिजली तो फिक्र ना कर, मैं करंट से मिलके सारी गलतफहमी दूर करती हूँ। लेटर ऑन यार, मजाक मजाक में मैंने अपना ही प्यार गवा दिया। पर यार हमने तो सब कुछ उसके बेहतरी के लिए किया था ना, हमने जानबूझकर उसको सदमा दिया ताकि वो किसी काम लग जाए, उसकी जिंदगी बन जाए। उसकी तो जिंदगी बन गई, पर मेरी उजड़ गई। यार देख, अब तो हिम्मत ना हार, हौसला तो रख। काटो, आज वो स्टार है, एक से एक लड़की है उसके पीछे। यार देख बिजली, चाहे जो भी हो पर वो आज भी सिर्फ और सिर्फ तुझे ही प्यार करता होगा, समझी तू? और अब तू फिक्र मत कर, मैं उसके साथ बात करके आऊंगी, ठीक है? ये क्या है सर? आपके हाथ में है, आपको पता होगा। मेरा 4 लाख का बिल आ गया। तो फिर बिजली कम भूखा करो। पिछले 6 महीने से मेरा कनेक्शन काटा हुआ आपने, बिजली तो है नहीं, बिल कैसे आ गया? वो फिर क्या हो गया, अगर बिल आ गया तो धीरे धीरे बिजली भी आ जाएगी।
कंप्यूटर की कोई छोटी मोटी गलती होगी, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। आप बिल भरो। मुझे तो घुसा दिया ना अच्छी तरह पतीले में, मैं क्यों बिल भरूं? मैं तो आपके फायदे के कह रहा था भाई, आज बिल भरने की लाइन बड़ी छोटी है। ओए क्या कर रही है, क्या होगा तुझे? हेलो हेलो, पानी 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 पानी, इसको दौड़ा पड़ गया। पानी पानी ले जाओ जल्दी, मेरी गाड़ी में ले जाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। देखो सुनो सुनो सुनो, मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम है, इसे टैंकी फुल करवा देना। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ जल्दी। छोड़ दो ठीक है। सर पानी लेके पानी जा। डॉक्टर मशहूर सरदार थालियों के बादशाह सुरजीत सिंह जी आज दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। ये दिल का दौरा उनको तब पड़ा उनका बिजली का बिल जब 6 लाख रुपए आ गया। हालांकि उनकी बिजली 4 महीने से कटी हुई थी। सॉरी। माफ करना, इलाते थे सनत तालों ने बिजली महत्व के विरुद्ध बहुत बड़ा मोर्चा निकाला। देखिए हमारी लाइव कवरेज। सर आपके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। पता है मुझे, अब क्या मिठाई बांटूं? अब बंद कराओ इसे। सर केबल वालों की बिजली ना काट दे। मैं जितनी बार भी आपका कोई नया गाना सुनती हूँ ना, मैं आपकी और भी ज्यादा कायल हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों, पर आपके इस दर्द में पूरी तरह डूबने का मन करता है। क्या पुरी जी आपको पता ही नहीं है कि मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। वैसे सच कहूँ पम्मी, मैंने भी जब 4 साल पहले तेरा पहली बार गाना सुना था ना, एकदम इश्क सा हो गया था। क्या कहा? मर जावा गुड़ खा के, दिल खुश कर दिया। ओह माय गॉड, आई एम सो लकी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आपके इतना नजदीक आ जाऊंगी। क्या हुआ? जिस्म नजदीक आने से रूहें नजदीक नहीं आ जाती पम्मी। नजदीक तो अब मेरे कोई भी नहीं आ सकता, उस बेवफा की जगह कोई नहीं ले सकता। तुझे तुझे शिव का वो गाना याद है? कौन सा? कि जाज मेनू आ गई है गम खान दी, होले होले रोके दिल पर जान दी। बिजली, हाँ तेरा अंदाजा ठीक था, अब वो स्टार है और उसके आगे पीछे लड़कियों की कतार है। पर वो तो छोड़, तेरी बात हुई उससे? जब मैंने उसको किसी और के बाहों में देखा ना, मेरा तो बात करने का हौसला ही नहीं पड़ा। बिजली, जरा देखो ये कैसा दिख रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है बेटा, बहुत बढ़िया। बुधवार? एक मिनट जी, हाँ एक मिनट को पूछ लो जरा, बुधवार कह रहे हैं? बुध कम शुद्ध, हाँ करो जी। हाँ जी ठीक है जी, फिर बुधवार फाइनल है, बाकी मिलके बात करते हैं। ओके जी। लो आ गया। ओ हाँ भाई आशु, आजा आजा जप्पी पा। भाई मंगनी फिक्स कर दी तेरी बुधवार को।
माँ को नहीं हक करेगा। वाह भाई वाह भाई वाह, कमाल का जश्न होगा। लकी का टॉप का सिंगर बुलाएंगे और जम के पंगड़े पाएंगे। अखियां लाके दर्द सहेड़े बहुत गमा दे लोगे नेड़े, दिल दी धड़कन शोर हो गई, रू ने भी हुण चैन न पाया, ऐवे अपना आप गवाया, चंदरा इश्क रास न आया, चंदरा इश्क रास न आया। ओ काका व्याह दा मोल है, बड़ा दुखी जा होई जाना, कोई नचण वाला गीत ला। फुट चाड़ के असा ने अज नचना, नाले बोलियां च लेना तेरा नाम। फुट चाड़ के असा ने अज नचना, नाले बोलियां च लेना तेरा नाम। सारी रात नहीं हो, ओ सारी रात नहीं हो, सारी रात नहीं हो अज अस तकना। सुनो जी, इधर आओ। सारे दिन से पी रहे हो, रात होने को आई है, अब तो बस करो। ओए फिर क्या हुआ अगर रात हो गई? ओए पार्टी तो पूरी रात चलेगी और साथ में ये गोली मामे की गोली ठा चलेगी। जजमान, हम तेरे पास छोटे से काम से आए थे। ये है बीबी फकीर कौर, इनका घर वाला सरदार सुजीत सिंह शहीद थालियों वाला। ये कौन सी जंग में शहीद हुए थे? वजीर साहब, वो अपने बिजली महकमे से कनेक्शन की जंग लड़ते लड़ते शहीद हुए थे जी। पर उनको तो दिल का दौरा पड़ा था ना, क्यों मरे? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, ये तो टीवी पर भी आया था, अखबार में भी छपा था। और दिल का दौरा कौन सा? उसे भूतों की फिल्म देख के पड़ा था, वो तेरे महकमे के बंदे देख देख के पड़ा था। वो कौन सा भूतों से कम है, कुछ जगह तो देख लिया कर। अच्छा चलो, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? वजीरा, जब हमारी सेवा का मौका था तब तो आपने की नहीं, अब कम से कम इस गरीब को 5-7 लाख का मुआवजा देख के पुण्य कमा छोड़। नहीं तो शहीद की आत्मा सारी जिंदगी तेरे कानों के पास थारियां खड़काती रहेगी। ऊपर से ग्लासों का शोर अलग, रोज नया डीजे बजा करेगा। देखो भाई, अगर तो महकमे की गलती से या बिजली के करंट से मरा होता तो मैं मुआवजा दिला देता। पर मोतियों वालों, जब आखिरी वक्त उसके दिल की धड़कन बंद हुई, वो तेरी बिजली के बंद मीटर की तरफ ही तो देख रहा था, क्यों भी पाले? भले अगर वो चलते मीटर की तारों को हाथ लगा के मरा होता ना, इसके महकमे की तो बल्ले बल्ले हो जानी थी। वाह जी वाह, क्या सीन होना था। मैं समझा नहीं।
सब यही कहा करेंगे कि पंजाब में इतनी फालतू बिजली है कि लोग तारों से चिपक चिपक के मर रहे हैं। मैं कहता हूँ सरदारा, यहाँ तक कि तेरे इलाके में कोई भूख से मरता, हैजे से मरता, दमे से मरता, उल्टा आपको शोर मचाना चाहिए। नहीं जी नहीं, ये तो बिजली के करंट से मरा है, बिजली से मरा है। मैं कहूँ सरदारा, एक बार मुआवजा देख कर तो देख, और तो खुद प्रार्थना किया करनी है। अगर हमारा घर वाला मरे और अब्बा वो बिजली से ही मरे। ओ बस करो, ये लगता है बात पल्ले पड़ गई। भाई बात तो तुम्हारी ठीक है। पीए साहब। जी सर। चेयरमैन को कह के ना एक बड़ा सा पब्लिक फंक्शन रखवाओ। उस फंक्शन में मेरे हाथों मैडम को 5,00,000 रुपए दिलवाओ। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ठीक है ठीक है। वर्याम सर, इनको चाय शाय पिलाओ। जी सर। जी रहा, तेरी गाड़ियां भागती रहे, वो लोगों को मुआवजे मिलते रहे, वो झंडे झूलते रहे, वो बिजली के झटके लगते रहे। वाह क्या बात है क्यामपुरी जी, क्या बात है पम्मी, क्या शॉट दिया है आपने। बैजा बैजा हो गई, सिट डाउन हो गई, बैक अप। यो आई एम सो एक्साइटेड। पता है शादियों का सीजन आ चुका है और शो इतने ज्यादा बुक हो चुके हैं, मुझे लग रहा है अब हमें कुछ नए पीर सॉन्ग तैयार करने चाहिए शोज के लिए। क्या हुआ पम्मी? तो अपने साथ गाने के लिए अब किसी और को ढूंढ ले। ये कैसा मजाक है? एक मिनट, आप मेरी आवाज से खुश नहीं हो? बात ये नहीं है पम्मी, असल में मेरी आवाज खुशियों भरे गीत गाने के लिए तो बनी नहीं, और जब भी मैं ये गम भरे गीत गाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने अपने गमों को बेच रहा हूँ। पर क्या पूरी जी? नहीं पम्मी, अब मैं और नहीं गा सकता। यार बिजली, तेरी शादी का कार्ड तो बहुत अच्छा छपा है। ओए, ये क्या? जितनी चमक इस कार्ड पे है, तेरे चेहरे पे क्यों नहीं? जिस बिजली से करंट निकल जाए, उसकी चमक कैसे रह सकती है? देख बिजली, अब तेरा धर्म यही बनता है कि तू जिस घर जाए वहीं रोशनी दे। मैं कोशिश करूंगी कि अपने दिल पर फैले हुए अंधेरे का एहसास मैं किसी और को ना होने दूं। ओहो यार जल्दी करो, 8 बजे तो बारात आ जानी है। ब्याह तो इनका है, जल्दी आपको लगी हुई है पूजा। हाँ मैडम, प्लीज जरा जल्दी रेडी कर दो, 8 बजे शो है मेरा। हाँ जी। बिजली, पम्मी पुर्जा। आपका करंट क्यामपुरी के साथ शो है ना? आई मीन कि जोड़ी है ना आपकी उनके साथ? जोड़ी होती थी कभी, अब नहीं है। पर क्यों? गाना छोड़ दिया उन्होंने। गाना छोड़ दिया, पर क्यों? नाम पता तो उसका मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ किसी ने प्यार में उनको इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि गाना तो दूर, वो अब जीना भी नहीं चाहते। वो बदनसीब लड़की मैं ही हूँ। पर तुम अपने आप को बदनसीब क्यों कह रही हो? तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हें नहीं पता वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, और अब जैसी उनकी हालत है ना, उन्हें सिर्फ तुम बचा सकती हो। पर मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा तो आज ब्याह हो जाएगा। हुआ तो नहीं ना, तुम कुछ भी करो कैसे भी करो, प्लीज उन्हें बचा लो, प्लीज। हाँ बिजली, अगर तूने अब कुछ ना किया ना तो अनर्थ हो जाएगा। पर मैं क्या करूं काटो? करना क्या है, तू आशु को फोन कर, वो पढ़ा लिखा लड़का है, सब समझ जाएगा। ओए पांडजा जी, आपके हर कदम पे मैंने गोली चलानी है। ओ मामा जी, कहीं मेरी घोड़ी ना भगा देना। ओए नो प्रॉब्लम पांडजे, ओए यस वी लोडेड। हाँ जी स्वीटहार्ट। आशु, अब एक प्रॉब्लम आ गई है। डियर, अब तो तेरी सारी प्रॉब्लम्स मेरी हैं। बोल। अपना ब्याह 2 दिन के लिए पोस्टपोन हो सकता है? पोस्टपोन? ओ
और ये कोई सरकारी मीटिंग है जिसे दो दिन के लिए पोस्टपोन कर देंगे। लगता है कुछ नहीं हो सकता। शक तो मुझे पहले ही था, किसी गहरे इश्क में डूबा हुआ है। और अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें जल्दी से जल्दी बिजली और आशु की शादी रोकनी पड़ेगी। पर आंटी जी करंट है कहाँ? नहीं, उसको तो मैंने भी नहीं देखा पिछले दो दिनों से। चलो फिर हम उसे किसी न किसी तरह ढूंढें, जल्दी करो। बाले बाले को भी ढूंढते हैं, चलो चलो। ले दादा, ओए भाई सहरा बांध कर निपटा दोगे या कोई सहरा गाएगा भी, या फिर मामे कोई सहरा गाना पड़ेगा? ओ मामा, हम किसी से कम है क्या? सहरा तो गाना ही है। ओ गाओ फिर। पता नहीं किस हाल में होगा मैं। तो ये कहाँ घूम रही हैं? बरजाई तू कहाँ आधी रात को सड़कें नाप रही है? ये कोई शॉपिंग का टाइम है या तू शॉप इंस्पेक्टर है जो दुकानों के शटर बंद करवाती फिर रही है? तो कहानियाँ ना सुना, करण को देखा है कहीं? करण तो बरजाई आजकल प्रधानमंत्री की तरह टेलीविजन पे दिखता है, वो भी गाना गाता हुआ। उसने अब टीवी पे भी नहीं नजर आना, वो गाना गाना छोड़ चुका है। वो कैसे रो रही है? गाना ही छोड़ा ना उसने, कोई शरीर तो नहीं छोड़ा। बस करो, किसी लड़की पे आ गया और उस लड़की का ब्याह आज कहीं और हो रहा है और हमारा बच्चा दिल हार के बैठा है। और कुड़ी? कुड़ी तो अंकल जी करंट से प्यार करती है। प्यार यानी कि आशिकी? ओ शुक्र है रब्बा, पहली बार हमारे खानदान में कोई कुत्ते काम में पड़ा है। और बस करो, अब तक तो हमारे खानदान में मस्खरे ही पैदा हुए हैं, ये पहली बार मजनू पैदा हुआ जिस पे किसी लैला का दिल आया है। बातें कम करो, जल्दी से करंट को ढूंढो और उसे कहो कि लड़की का ब्याह कहीं और नहीं होना चाहिए, चाहे लड़की उठानी ही पड़े। गल ठीक है, तुम शहर में ढूंढो, हम नहर पे ढूंढते हैं। चलो, लड़की उठाने वाली बात में दम है। जो मैंने सुना है मैं तुमको बताता हूँ, उनका लड़का बिजली को उठाने की पूरी कोशिश करेगा। तुम ऐसे करो, उसी को उठा लो। हाँ। कोई उधर तेरी दुनिया उजड़ने वाली है और तू इधर अंधेरे में जुगनू पकड़ रहा है। ओ करंट पुत्र, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है ना, ओए पावे माँ दा पीता होए पावे गां दा, ये कोई डायलॉग बोलने का टाइम है? ओए इसे सीधी बात समझा। सीधी बात तो फिर पुत्रा ये है कि जिस लड़की को तू प्यार करता है ना, उसका संदेश आया है कि मैं तेरे को प्यार करती हूँ और करती रहूंगी, अगर तू मुझे आके बचा सकता है तो बचा ले। आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? ये ले। ओ पुत्र, हम राशियों की जिंदगी मजाक होती है लेकिन प्यार मजाक नहीं होता, जा अपने प्यार को बचा ले। जा मेरे पुत्र जा, अपने खानदान की इज्जत रखी होए। और जैसे हम मरासी शादियों से शगन लिए बगैर नहीं ना लौटते, और तू भी कुड़ी के बगैर मत लौटना होए। दीदी हमने चांदी के छल्ले नहीं लेने, सोने के छल्ले लेने। हाँ दीदी, जीजू को फोन करके बोल दो अगर नहीं खरीदे तो घोड़ी रोक के खरीद लेंगे। Yeah!
लग रहे हो। ओए जिस घोड़ी पे आया उसी घोड़ी पे वापस चला जा सरदारा। ना तू फूफा लगता है इसका जो तेरे कहने पे बारात वापस ले जाए। ओए हमारे फूफा जी का कुछ मत कहना, फूफा जी का बड़ी मिन्नते करके बिठाया हमने। लो जी फूफा जी, लो जी मेरी बात सुन लो कान खोल कर। बिजली जाएगी तो सिर्फ मेरे साथ, क्योंकि वो सिर्फ मुझे प्यार करती है। ओए गोली मामा कब काम आएगा? ओए इसकी टांगों में तो मैं इतनी गोलियां मारूंगा। ओए घोड़ी तो क्या, ये साइकिल पर चढ़ते भी कांपेगा सोने। मामा जी ज्यादा पाकिस्तानी फिल्मों के डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं, छोड़ दो इसे। ये बात मुझे भी पता है कि अगर हम चाहें तो हमें यहाँ से जिंदा ना जाने दें, पर तुझसे तो मैं अकेले ही निपटना चाहता हूँ। तू मेरे साथ कमरे में चल, जो साबुत हड्डियों के साथ बाहर आएगा वो ही बिजली को लेकर यहाँ से जाएगा। ये तू क्या कर रहा है आशु पुत्र? डैड प्लीज आप गोली खा के अपना बीपी सेट करो, मैं इसको सेट करके आया। कमाल वो तो अपने शादी के कपड़े लाया है। शादी के कपड़े? वो शादी के कपड़े लाया नहीं है और मुंह उठा के बिजली को लेने आ गया। मैं कुछ समझा नहीं। देख करण, मुझे पता है कि तू और बिजली वाकई एक दूसरे को दिल से चाहते हो, पर मैंने भी उसे बड़े सच्चे दिल से प्यार किया और अब उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। बाकी तेरी हिम्मत को भी मैंने परख लिया। तू ऐसा कर, तू मेरे शादी के कपड़े पहन ले और सेहरा बांध ले। ये क्या कह रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। वो समझने को ये कोई अलजेब्रा का सवाल है? सिंपल सी बात है, तू मेरा सेहरा बांध के जयमाला में बैठ, हम दोनों बिजली को सरप्राइज देंगे। थैंक्स आशु। ये आशु ने क्या खामखा पंगा ले लिया, पुलिस को बुला के लफंगे को अंदर कराता। ओ आशु की मामी, ओ अपने आशु ने उसको ऐसा सिद्धा करना है कि दोबारा किसी बरात के पास से नहीं गुजरेगा। ओ आफ्टर ऑल भांजा किसका है? गोरी मामे का। आपने उसे अकेले जाने ही क्यों दिया, अभी तक नहीं आया। चाचू आ गया। ओ देरी कम्स। शुक्र है। आशु वो लफंगा कहाँ है? ओए कर दिया फिनिश। ओ आखिर भांजा किसका है? गोरी मामे का। बिजली, मुझे पता चला है करंट यहाँ आया था। क्या करंट यहाँ आया था? वो आया था एक लफंगा, या आशु ने पीट के भगा दिया या किसी कमरे में बंद कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता, अब आशु मेरे नसीब में है। तू मेरे साथ एक मिनट रूम में चल। अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? जयमाला का टाइम हो रहा है, आशु वेट कर रहा होगा। आंटी इसने वॉशरूम जाना है, हम अभी आए। चल चल जल्दी चल। करंट जरूर यहीं कहीं है, तू जल्दी उसे ढूंढ और भाग उसके साथ। पर काटो, मैं कहाँ ढूंढ सकती हूँ, अब तो जयमाला का भी टाइम हो गया है। ओहो वो सब मैं संभाल लेती हूँ, तू जल्दी जल्दी अपने कपड़े मुझे दे और तू कोई और डाल, जल्दी कर। हाँ हाँ। ओए तुम लोग मेरे पांजे की कुर्सी से मक्खियों की तरह चिपकी हुई हो, ओ जाके इसकी दुल्हन को तो ले आओ। ले आते हैं अभी। और बात सुन आशु की मामी। हाँ जी। ओ मेरे पांजे के सोने चेहरे को गर्मी लग रही होगी, ओ इसका सेहरा जरा ऊपर कर दे। साफ साफ कहो ना कि आपके भांजे के चांद जैसे चेहरे को सारी दुनिया देखे। मैं अभी उठा देती हूँ। आशु लाओ। आशु शर्माते नहीं, बैठ। आशु बात तो सुन। आशु ओहो ओहो क्या म्यूजिकल खेल रहा है तू? आशु आशु ओए आशु आशु क्या हो गया, क्या कर रहा है तू? आशु रुक, आशु बात तो सुन मेरी। ओहो बात तो सुन आशु। आशु आशु रुक। ओ निर्मल सिंह जी इधर आओ, भाई इनको रोको, अच्छा थोड़ी ना लगता है। भाई साहब हम लड़की वाले हैं, इन लड़की वालों को क्या कहें, करने दीजिए जो करते हैं। ये इस तरह की हरकतें करना ठीक नहीं लगता। ओहो मासी जी, ओ बच्चे को एंजॉय करने दो, फिर तो शादी के बाद सारी जिंदगी मेरी तरह रोना ही है।
आजा मेरे बच्चे। क्या हो गया आजा? लाओ जल्दी जयमाला लाओ, पहले ही बड़ी देर हो गई। भगवान पकड़ा दो इनको जयमाला, ये अपने लिए थोड़ा है। अरे ये क्या, लड़का कैसे बदल गया? हमारा आशु कहाँ है? और मुझे तो लगता है इसने अपने आशु को पीट के वापस घोड़ी पे चढ़ा दिया। पर आशु की शर्त के मुताबिक बिजली को जयमाला डालने का हक अब सिर्फ मेरा है। ठहरो, मैं बिजली नहीं काटो हूँ। ओ माय गॉड, ये हो क्या रहा है? लगता है हम गलत ब्याह में आ गए हैं, लड़का और ही लगता है कोई। इसका मतलब आशु ने मेरे साथ धोखा किया, मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। पर करण, आशु ने तो तेरे लिए कुर्बानी दी है। पर फिर तूने अपनी जगह दूसरी लड़की को क्यों भेजा? क्योंकि इसको पता नहीं था कि मेरी जगह दूल्हे की ड्रेस में तुम हो। ये तो सिर्फ तेरे साथ ही शादी करना चाहती थी। पर ये तो बताओ कि कौन किसके गले में वरमाला डालेगा? तुसे दो मिनट रुको, बिजली अभी दुल्हन की ड्रेस पहन के आई, चल बिजली। पर आशु, ब्याह पे तो खर्चा हमारा हो गया। तो क्या हो गया डैड, हम सारे बिल करंट के डैड को दे देंगे। आशु तू ना बिल्कुल नहीं समझता, तेरे ब्याह के लिए मैंने नए कपड़े बनाए थे, गहने गट्टे भी बनाए थे, मेरा तो ऐसे ही खर्चा हो गया ना सारा। ओ, कोई बात नहीं मामी, आप इसकी मामी बन जाओ। ओहो आशु, ओ भाई मामा मामी तो हम बन जाएंगे, पर माँ बाप तो असली बुला ले। वाह जी वाह, बढ़िया रौनका शौनका लगी हुई यहाँ पे तो। जखम देने को पाला और मलम लगाने को बाला, रब झूठी बुलावे, लड़के का सगा बाप तो आ गया, अब कोई माँ चाहिए तो यहीं से झोली में डाल दो। शर्म करो, फिर तू कहेगा यहाँ से बने बनाए बच्चे भी ले चले। इतना कष्ट तो मैं खुद कर लूंगा। बस चुप करो करंट, तू क्यों दूल्हे के कपड़े पहन के खड़ा हुआ है इधर? ताई मैंने तो आशु से लिए। मैं तो होगी करंट की ताई, आशु तेरी ताई कहाँ है? मैं हूँ आशु की ताई। ले बहन फिर अपने कपड़े और गहने इधर पकड़ा। अहो मांगी हुई चीजों का तो स्वाद ही अपना होता है। अरे घर तो चुड़ैल भी छोड़ देती है। ये तो है, ये ले करंट आ गई तेरी अपनी दुल्हन। मुबारक भाई मुबारक। जनरेटर क्यों भाई पाले? हाँ भी पाले। कौन कहता है हमारे घर बिजली नहीं? कौन कहता हमारे घर करंट नहीं है? हमारे घर बिजली भी है, करंट भी है, और हमारे घर पावर भी है। तो अब हमें पावर कट का कोई डर नहीं। 9 महीने के बाद बाला एक बच्चे का दादा बन गया। रूलिंग पार्टी फिर जीत गई। उसने खुश होकर पाले को बिजली महकमे का चेयरमैन बना दिया।
हाँ।